के इस दौर में इंसानियत के लिए काम करना या इंसानियत के नाम पर काम करना किस कदर मुश्किल हो चुका है वो हम अपने इतराफ में, अपने आसपास में, अपने समाज में रोज बरोज देखते रहते हैं। लेकिन कोई तो हो जो इस माहौल को बदलने के लिए आगे बढ़े और जो चारों तरफ तारीकी छाई हुई है उस तारीकी को दूर करते हुए एक शमा रोशन करे। तो इस अज़्म के साथ सिटीजन्स पेपर के रूहे रवां चीफ एडिटर फैयाज़ कुरैशी साहब ने इंसानियत के पैगाम को आम करने की कोशिश शुरू कर रखी है। हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कई साल से मुसलसल वो इंसानियत के पैगाम को आम करने में अपनी तवानाई सर्फ कर रहे हैं। उनका ये जज्बा वाकई काबिले सताइश है, क्योंकि अगर हर कोई ये सोचे कि ये काम कोई और करेगा तो फिर इस समाज में अच्छा काम करना ही दुश्वार हो जाएगा। और काम करने की शुरुआत अगर हर कोई ये सोचे कि फला करेगा या ये करेगा या वो करेगा, उससे बेहतर ये होना चाहिए कि हम खुद आगे बढ़ें और अपने तौर पर जो हो सकते हैं उस काम की शुरुआत कर दी जाए। इसी अज़्म और हौसले के साथ फैयाज़ कुरैशी साहब ने इंसानियत के पैगाम को आम करने की जद्दोजहद शुरू कर रखी है। हम तमाम लोग उनके साथ हैं। हॉल में जनाब कारी अब्दुल्ला मार्कोनी साहब तशरीफ ला चुके हैं, मैं उनसे इल्तिमास करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ ले आएं। सिटीजन्स अखबार अपने शुरुआत से ही अपनी इनफिरादियत के लिए मशहूर रहा है और जो काम फैयाज भाई ने शुरू किया उसमें पूरे मुस्तकिल मिजाजी के साथ हमेशा जुटे रहे। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो इब्तदाई कलमात अदा करें। मैं अभी नायाब अंसारी साहब जो बात कर रहे थे वो तमहीद थी, इब्तदाई कलमात थे। अब बाज़ाब्ता इस प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों एक बड़ा सानहा पेश आया, हमारे जवानों की शहादत हुई है। वो शहीद हुए लेकिन वो घाव हमारे दिलों पर भी लगे हैं। वक्त है, वक्त शायद उन जख्मों को मुंतमिल भी कर दे, लेकिन ये मौका है कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम अपने उन जाबाजों को, उन शहीदों को दो मिनट खामोश रहकर खिराज अकीदत पेश करें। कश्मीर के पुलवामा में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ उसमें जिन
फौजियों की शहादत हुई उन तमाम को अभी खराज अकीदत पेश किया गया और यही इंसानियत का पैगाम देने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो इस बात को साबित करता है कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि आज के दौर में इस काम की किस कदर ज़रूरत है और किस कदर तेज़ी के साथ करना चाहिए। उस ज़रूरत को महसूस करते हुए फैयाज़ अहमद कुरैशी साहब ने यह इकदाम किया है, हम तमाम लोग उनके साथ हैं। साथ ही साथ आज के इस प्रोग्राम में शहर में जो लोग मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनका भी इस्तकबाल यहाँ पर किया जाएगा ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और उनके काम की सताइश अवामी सतह से भी हो। अभी हमारे दरमियान भारतीय जनता पार्टी के शहर सदर और रुकन काउंसिल किशन चंद तनवानी साहब तशरीफ लाए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। जलसे की शुरुआत में इस प्रोग्राम का पूरा बैकग्राउंड बताने के लिए और इस तहरीक की पूरी मालूमात देने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूं फैयाज़ अहमद कुरैशी साहब को कि वो तशरीफ लाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पना मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मर्दू से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बुजुर्गों और दोस्तों, आज के इस जलसे की सदर मोहतरम इत्तेकाल अफजल साहब और डॉक्टर साहब तशरीफ लाए। कुर्सी इधर बड़ा डॉक्टर और मेरे अजीज दोस्त किशन चंद तनवानी माजी आमदार साहब, मेरे बहुत ही पड़ोसी और मेरे खैरख्वाह डॉक्टर हमारे हमीद सर साहब, बहुत अहम दोस्त मेरे जो है हमारे खास साहब अब्दुल्ला मार्कोनी साहब, मंच पर बैठे हुए हमारे सुरजीत सिंह कुंगर साहब और मंच पर बैठे हुए सभी मान्यवर व्यक्ति, बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दे के यहाँ हमें इज्जत अफजाई दी, शुक्रिया आपका। बुजुर्गों और दोस्तों, ये सिटीज़न इंसानियत ग्रुप की स्थापना हमने की है 2011 में, ये सोच के किया है कि आज दुनिया का हर समाज का आदमी अपनी अपनी धार्मिक किताबों को नहीं पढ़ रहा हो। दुनिया की तमाम धार्मिक किताबें इंसानियत का पैगाम देती है, मानवता का पैगाम देती है और वो मानवता के पैगाम को आज वो पूरा मानवता का पैगाम शैतान के कब्जे में चले गया।
क्योंकि आज मानवता की कोई बात ही नहीं कर रहा, इंसानियत की कोई बात ही नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है ख़ास तौर से कि जो भी मज़हब की जो धार्मिक किताब है वो अपने समाज को पढ़ाना नहीं, और वो भी पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा। आज क्या है, मुसलमान मस्जिद में जाता है तो वो क्या पढ़ता है उसको समझता नहीं, हिंदू मंदिर में जाता है वो क्या पढ़ता है उसको समझता नहीं, सिख गुरुद्वारे में जाता है वो क्या पढ़ता है उसको समझता नहीं। तो हम अपनी धार्मिक किताबों को जब तक समझ के नहीं पढ़ेंगे, हम में अखलाक, खुलूस, मोहब्बत, इंसानियत आ ही नहीं सकती। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या एक मामूली आदमी हो। तो हमने ये काम जो शुरू किया है, ये तमाम धार्मिक किताबों को पढ़ाने का काम हम इसमें शुरू करने वाले हैं। और मुसलमान को नमाज समझाने की बात करने वाले हैं हम, हिंदू को प्रार्थना जो करता है भगवान के नाम से, वो भगवान को क्या बोला क्या नहीं बोला वो उसको भी नहीं समझ रहा। हम जो है इसको खोल खोल के समझाएंगे, जितनी भी धार्मिक किताबें किसी भी जबान में हो, हम वो जबान को हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू में पेश करने वाले हैं। इंसानियत ग्रुप यही काम करने वाला है, और ये काम आज की हालत में नहीं बल्कि दुनिया बनी जब से, हमको इंसानों को, समाज के लोगों को गुमराह रखा गया, उसमें जागृति लाना चाहते हैं हम, ताकि इस दुनिया में इंसानियत कायम हो, हम एक दूसरे को अपना भाई समझे। और दुनिया की तमाम मजहबी किताबों में किसी धर्म का नाम नहीं है, कुरान में ना मुसलमान का नाम है, गीता में ना हिंदू का नाम है कि भाई ये हिंदुओं की किताब है, कुरान क्या मुसलमानों की किताब है, ये पूरे जग की किताब है, पूरी दुनिया की किताब है, दुनिया को तालीम देती है ये। तो हम उसको भूल चुके हैं, उसको याद करने की, या जितने भी समाज के लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप अगर मस्जिद में जाते हैं तो पहले आप नमाज को समझिए, आप अगर मंदिर में जाते हैं तो आपका ये फर्ज हो जाता है कि तुम भगवान तुमको क्या बोला और तुम भगवान से क्या बोले, चर्च में आप क्रिश्चियन जाते हैं चर्च में क्या बाइबल बोला है उसको हम समझ रहे नहीं, हमने अपने अपने हिसाब से अपने मज़हब को ढाल लिया, उससे हमको हटना पड़ेगा। और उसी काम के लिए सिटीज़न इंसानियत ग्रुप, इसमें हर समाज का आदमी है, हर समाज का आदमी काम करने वाला है, हर समाज के लोग इसमें रहने वाले हैं, और वो जो भी लोग इंसानियत का काम कर रहे हैं हम उन सबको इसमें जोड़ेंगे, चाहे वो सियासी लोग हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, जो भी होंगे, आलिम हो, फाजिल हो, पंडित हो, हम उन सबको जोड़ के इंसानियत का पैगाम देने का काम करने वाले हैं। इतना ही कहेंगे, मैं आपको, आप सब लोगों का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि दिल है अपना, दिल है ये, दुनिया है अपनी दुनिया है ये, समझो इसे तो जन्नत है ये, ना समझो तो जहन्नुम है। फैयाज अहमद कुरैशी साहब के बाद मेहमानों का इस्तकबाल यहाँ पर किया जाएगा। सबसे पहले फैयाज अहमद कुरैशी साहब से मेरी गुजारिश है कि वो सदर जलसा का इस्तकबाल करें। डॉक्टर ए जी खान साहब के तौर पर, जिन्हें आपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में BCUD के चेयरमैन, डायरेक्टर और चेयरमैन के तौर पर देखा, वो आज की इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं। हमीद खान साहब का इस्तकबाल यहाँ पर किया जा रहा है। मौलाना आजाद चेयर जो डॉक्टर बामू यूनिवर्सिटी में कायम है, आप उसके रूह रवा हैं। इरशाद कुरैशी साहब डॉक्टर हमीद साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। सुरजीत सिंह खुंगर साहब का इस्तकबाल इरशाद कुरैशी साहब करेंगे।
सुरजीत सिंह खुंगर साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही मुतहर्रिक लीडर हैं। खान मुकीम खान साहब आकाशवाणी औरंगाबाद के न्यूज ब्रॉडकास्टर साबिका और उर्दू हलकों की मौजूद शख्सियत, आपका इस्तकबाल इरशाद भाई, आपसे गुजारिश है कि खान मुकीम खान साहब का इस्तकबाल करें। किशन चंद तनवानी साहब का इस्तकबाल, नौशाद कुरैशी साहब से गुजारिश है कि वो करें। अब्दुल्ला मार्कोनी साहब का इस्तकबाल, नौशाद कुरैशी साहब से गुजारिश है वो करें। जलदूत के किशोर साहब हमारे दरमियान हैं, उनका इस्तकबाल मुश्ताक कुरैशी साहब करेंगे। क्योंकि सदर साहब खुद किशन चंद तनवानी साहब को सुनना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने, हालांकि उन्हें मसरूफियत की वजह से जाना था, लेकिन आपको सुनने के लिए वो बैठे हुए। तनवानी साहब, क्या कार्यक्रम के अध्यक्ष अफजल खान साहब, सिटीजन ग्रुप के अध्यक्ष बाबाजी मित्र फैयाज कुरैशी जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष व जलशुद्ध केंद्राचे प्रमुख किशोर चितुडेजी, महानगरपालिकेचे माझे सहकारी राष्ट्रवादीचे नेते खोंगरजी, मार्कोनीजी, मुकीम खान सर, हमीद खान सर, पी एस अन्सारी, उपस्थित सर्व बंधू, चार पाच दिवस अगोदर एका दुःखद कार्यक्रममध्ये दादाबाईच्या वेळेस फैयाजबाईंची माझी एक भेट झाली होती, तेव्हा त्यांनी सांगितलं होतं की आपला जे समाजामध्ये समाजासाठी जे समाजकार्य करतात त्याच्यात तू पण करतो, तुझा मान सन्मान करायचे म्हणून आपण तिथं उपस्थित राहावं। फैयाज हा माझा जुना मित्र आहे, शहराचं वातावरण कसंही जरी असलं तर माझाही आपल्या लोकांबरोबर संबंध दरवेळेस चांगलेच असतात। हा जो उपक्रम आहे, पैसे प्रत्येकाकडे असतात पण त्यांची करायची मनस्थिती नसते, कोणाकोणाकडे पैसे नसतात पण ते लोकांकडून गोळा करून एक समाजकार्य काम करत असतात। मी त्याच पद्धतीने शहरामध्ये जवळपास 20-22 वर्षापासून खिचडीचं वाटप करत असतो मेडिकलमध्ये। राजकारणाचाही काही भाग नाही आहे, मेडिकलमध्ये जे लोक येतात, औरंगाबाद मेडिकल घाटी हे 14 जिल्ह्याचे लोक इथे येत असतात, जे गोर गरीब आहेत तेच या घाटीमध्ये आपल्याकडे येत असतात। आणि माझी जी खिचडी असते हे पेशंटसाठी नसते, हे पेशंटचे जे नातेवाईक आहेत त्यांना एक वेळेसचं काहीतरी जेवण सकाळच्या वेळेस मिळावं, त्या दृष्टिकोनाने एक 20-22 वर्ष अगोदर माझे आजोबा असताना आम्ही सुरुवात केलेली आहे। ते आतापर्यंत अखंड आतापर्यंत आम्ही दिलेले आहे। तिथेही काम करत असताना कोणते समाजाचं आहे, कोण आहे, ते नाही, जे गरजू आहे, ज्याला गरज लागते त्याला ते आम्ही देत असतो। आणि मेडिकलमध्ये जे लोक येतात हे गरीब लोकच जास्तीत जास्त तिथे येत असतात। 2009 मी या शहराला दुष्काळ जेव्हा आला होता तेव्हा मी पाण्याची एक सुरुवात केली होती, शहराचे पाण्याच्या बाबतीत आरो वॉटर करून 1,00,000 लिटर रोज पाणी आम्ही शहराला देत असतो। गुलमंडीवर असतो आमचा प्रोजेक्ट आहे, त्याचा खर्च आम्ही पूर्ण तनवानी मित्र मंडळ, आमचे जे मित्र परिवार आहेत ते मिळून आम्ही करत असतो। एक कुठलाही कार्यक्रम, कुठलाही समाजसेवा, कुठलाही कार्यक्रम करत असताना आपल्याला त्याला पैसे लागत असतात, बगैर पैशाचे हे कार्यक्रम होत नाही। टाटा बिर्ला सारखीकडे पण पुष्कळ पैसे आहेत,
पण त्यांची इच्छा करायची नाही आहे, ते करतात. मग ते मेडिकल असतील, मेडिकलमध्ये सी आर करतात, किंवा सरकारच्या माध्यमातून सी एस आर फंडमधून ते लोकांचे विकासाचे काम करतात. पण रोजमर्याला जे आपल्याला लागतो, पाणी हा प्रत्येकाला लागतो, पिण्यासाठी पाणी फार गरजेचं आहे. मधल्या काळामध्ये जेव्हा दुष्काळ होता आणि महानगरपालिकेची परिस्थिती नव्हती, तेव्हा आम्ही हे प्रोजेक्ट गोलमंडीवर चालू केलेले आहे. आज 5,000 लोकांना आम्ही तिथं पाणी पुरवतो. लोक स्वतः येतात आणि ते पाणी घेऊन जातात. याच्यात रोजगारही उपलब्ध झालेला आहे. याच्यात रोजगार कसं उपलब्ध झाला, तर कोणी हर्सुलला आहे, कोणी नक्षत्रवाडीत आहे, तिथं पाणी नाही आहे, महानगरपालिकेचं पाणी तिथपर्यंत पोहोचत नाही. मग काही रिक्षावाले आहेत, ते कॅन माझ्याकडून घेतात, तिथं देतात, त्याच्याकडून कॅन घेतात, माझ्याकडे येतात, पाणी भरतात. आणि ट्रान्सपोर्टेशनचा जो खर्च आहे, 5 रुपये 7 रुपये, ते त्यांच्या परिस्थितीनुसार जेवढा माणूस देईल तेवढे ते त्यांच्याकडून पैसे घेतात. म्हणजे आता एक जार 20 रुपयाला घरी भेटतो, आमच्याकडून आम्ही फुकट देतो. आणि तो रिक्षावाला हर्सूलमध्ये तुम्हाला आणून देत असेल, तर त्याची जेवढी मेहनत आहे, डिझेलचा खर्च आहे, त्याचं आहे, ते 5 रुपये 7 रुपये तो घेत असतो, पण आम्ही त्याच्याकडून काही पैसे घेत नाही. याच्यामुळे एक रोजगारही उपलब्ध झालेला आहे. फैयाजभाईंना मी विनंती करणार आहे की असं उपक्रम घेत असताना आपल्याकडे प्रत्येक ठिकाणी काम करायचं, समाज न बघता ज्याला गरज आहे त्यासाठी, माझ्यासाठी तुमच्यासाठी काही असेल, काही उपक्रम आपल्याला राबवायचा असेल, तर आपण सर्व मिळून आपल्या समाजासाठी काही चांगले उपक्रम आपल्याला राबवता येतात का, त्या बाबतीत आपण, माझी आजही तयारी आहे, काली तयारी आहे, फैयाजभाई जेव्हाही सांगतील किंवा आपल्यापैकी कोणीही सांगेल तर मी ते उपक्रम करायला तयार आहे. आमच्या समाजाचा शिवकला नेत्रालय हॉस्पिटल आहे, त्याचा उपाध्यक्ष मी आहे. महाराष्ट्रभर हा दवाखाना आहे, जळगावमध्ये दवाखाना आहे, संभाजीनगरमध्ये शिवकला नेत्रकला नेत्रालय म्हणून उल्कानगरीमध्ये हॉस्पिटल आहे, त्याच्यात जवळपास आम्ही वेगवेगळे कॅम्प घेतो आमच्या समाजाच्या माध्यमातून. आणि जवळपास 10,000 चष्मे आम्ही या शहरामध्ये वाटलेले आहेत. आणि जवळपास 100 पेक्षा जास्त पेशंटचा, मोतीबिंदूचा आमच्या समाजाच्या माध्यमातून मी मोफत ऑपरेशन करून दिलेले आहेत. यानिमित्त मी आव्हान करेल की कुठं आपल्याकडेही कुठं कॅम्प घ्यायचा असेल, कुठं गरज असेल, किंवा एखादं गोरगरीब असेल, त्याला ऑपरेशन करायची त्याची परिस्थिती नसेल आणि त्याला दिसत नसेल, तर तुम्ही माझ्याकडे त्याला यावं, त्याला आपण पत्र देऊ आणि त्याचा मोफतमध्ये आपल्याला ऑपरेशन करून घेता येईल. मी फैयाज बालचा मनापासून आभार व्यक्त करेल की छोटासा कार्यक्रम का होत नाही, पण मान सन्मान हा महत्त्वाचा असतो. कोणी काम समाजकारण कोणी काम करत असेल आणि त्याचा मान सन्मान होत असेल तर त्याला अभिमान वाटत असतो. त्यातलंच मी एक आहे की माझा यात मान सन्मान होत आहे, मला अभिमान वाटू लागला. आणि माझ्यामध्ये अजून प्रोत्साहन येऊ लागलं की अजून समाजकारणासाठी अजून काय मला करता येईल का, अजून तुमच्या माध्यमातून काही करता आलं आपल्याला. शेवटी पक्ष मी भारतीय जनता पार्टीचा जरी अध्यक्ष असलो, शिवसेनेचा असेल, MIP असेल, हे राजकारण फक्त 15 दिवसाची निवडणुकांचं राजकारण असतो. त्याच्यानंतर कुठलाही समाज असेल, कुठलीही जात असेल, त्याला त्याच्यातून काही फायदा मिळत नसतो, कुठलाही फायदा, कुठलाही विकास होत नसतो. जात आणि समाज, पक्ष हे सर्व बाजूला ठेवून आपल्याला आपल्या शहरासाठी अजून काही चांगलं गोरगरिबांसाठी करता आलं तर सदैव फैयाजभाई कधीही तुम्ही मला आवाज द्या, मी तुमच्याबरोबर आहे. मला इथं बोलवलं, माझा मान सन्मान केलं, त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचा मनापासून आभारी आहे. धन्यवाद. अब जलदूत के किशोर साहब 2 मिनट के लिए मैं चाहूंगा कि उन्हें भी निकलना है, फिर उसके बाद सदर साहब अपनी तकरीर करेंगे. मानवतावाद और इंसानियत के चर्चा सत्र के आयोजक कुरैशी साहब, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और मेरे भाइयों, मानवतावाद या इंसानियत, इस शब्द के हम जितनी भी व्याख्या करें वो कम है. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये लाइन दोस्त हम सब ने बचपन से सुनी है. लेकिन जैसे कुरैशी साहब ने कहा, क्या हम उसे हमारे रोज के व्यवहार में इस्तेमाल करते हैं? मानवतावाद या इंसानियत एक जीवन का ऐसा ऊंचा मूल्य है, नैतिकता है, कि सारे धर्मों में इसको बहुत अहमियत दी गई है. एक बार इस मानवतावाद के बारे में
विज्ञान का जोड़ उसको बहुत जरूरी है। एक बार विज्ञान वाला इंसान मानवतावादी नहीं हो सकता, लेकिन मानवतावादी इंसान वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। मोहम्मद हजरत साहब जब का जन्म हुआ, उस दौर में लड़कियों को जमीन में गाड़ देते थे और यह बहुत सब अज्ञान के कारण होता था। और हजरत मोहम्मद साहब ने जब सारे समाज को इसका मार्गदर्शन किया और यह प्रथा बंद हो गई। इसी तरीके से आज हम मजहब का तो पालन करें, लेकिन उसमें कट्टरता या उसकी कुछ अंधश्रद्धा, श्रद्धा और अंधश्रद्धा में हम फर्क रख के श्रद्धाओं के बल पे हम अगर चले तो अल्लाह ताला या जो भी मजहब हमें सीख देगा वो एक दूसरे से जोड़ने की देगा। क्या हम ये सब करने के लिए बहुत बड़ी बातें करनी चाहिए, बहुत बड़ा भाषण करना चाहिए, अब बहुत बड़ा इंसान यानी कुछ बड़ा बनना चाहिए, ऐसा जरूरी है? मुझे लगता ये हर एक इंसान अपने से शुरू कर सकता है कि मैं अगर चाहूं तो मैं हर रोज दो इंसानों के चेहरे पे खुशी लाऊं। क्या मैं इतना कर सकता हूं? अगर हम इतना कर पाए तो ये जो मानवता है, एक दूसरे पे प्यार करना है, यह बहुत बड़ा काम हमारा इस फोरम के माध्यम से शुरू हो सकता है। मैंने अपने जीवन में, आज मेरे को जिस अहमियत से यहां बुलाया गया, मैं विद्यापीठ का राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषद सदस्य हूं और युवाओं में रहता हूं, तो यही ऐसे कभी सोचता था कि मैंने क्या करना चाहिए। और 2012 से मैंने पानी में काम करना चालू किया कि अपने यहां अकाल तो हमेशा का है तो क्या कर सकते, तो गांव किसानों में जाना, किसानों को इकट्ठा, खेड़ों में जाना, किसानों को इकट्ठा करना, नदी नाला चौड़ा करना, बांध बनवाना, ये करते करते मेरे साथ युवाएं जुड़ते गई और आज ये युवा शक्ति हर इतवार को हम अपने शहर में एक बारव या कुआं लेते हैं, 7 बजे वहां पे 100-125 लड़के पहुंचते हैं और वहां पे उस बारव का, उस बावड़ी का पुनर्निर्माण, कचरा सफाई, ये 3 घंटे का श्रमदान करते हैं। देशभक्ति पर गाने गाएंगे, एक तरफ कचरा उठाएंगे, परिचय जब देंगे तब मैं इस पार्टी का हूं, मैं इस संगठन का हूं, मैं ये हूं, सब अलग 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 संस्थाओं से जुड़े होते हैं, लेकिन जब भी वो हमारे साथ होते तब वो जलदूत होते हैं। तो पानी एक ऐसा विषय है कि ये सारे मजहब को, सबको इकट्ठा रखता है। तो ये पानी के विषय को लेकर आज ये युवा शक्ति के ऊपर हम जब ऐसे संस्कार करते हैं तो जो मेरा कुआं नहीं, जहां मेरा खेत नहीं, मैं वहां जाके किसी के लिए मैं काम करूं, ये भावना जब उन युवकों पर दी जाएगी तो मेरा अपना तो अभी उम्र हो गई, लेकिन इन नौजवानों को सीख देने की हमारे को बहुत जरूरत है। तो मुझे इस समय यही आपको कहने का अच्छा लगेगा कि हम अपने बच्चों को हो या अपने युवाओं को हो, हम ये प्यार करना, दूसरे को अच्छा से मदद करना, ये हमने सिखाना चाहिए। आप देखेंगे कुरान पढ़ने वाला हो या रामायण पढ़ने वाला हो, उसके चेहरे पे अगर देखेंगे वो नमाजी होगा तो वो जो शांति होगी, जो खुशी होगी, वो उसके पास नहीं होगी जो मैं किसी का बुरा सोच रहा हूँ। तो ये अंदर से जब इंसान के पास अल्लाह ताला ने दी हुई सीख होती है तो चेहरा एक खिल जाता है, एक अच्छी मासूमियत होती है। मुझे लगता है कि हम इसी का अवलंब अपने जीवन में करें। मुझे यहाँ बुलाया, दो शब्द कहने की संधि दी, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद मदनी साहब हमारे दरमियान हैं, फैयाज कुरैशी साहब आपका इस्तकबाल करेंगे, इलियास किरमानी साहब हमारे दरमियान स्टेज पर मौजूद हैं, उनका इस्तकबाल सिटीजन्स ग्रुप की जानिब से किया जाएगा। चूंकि आज के इस तकरीब के सदर डॉक्टर एजी खान साहब की मसरूफियात बहुत हैं और अभी मैं समझता हूँ 2 प्रोग्रामों में और जाना बाकी है, फिर भी इस शेर के साथ मैं आपको बुला रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी यही है कि हर एक को फैज़ पहुँचे, मैं चरागे रह गुज़र हूँ, मुझे शौक़ से जलाओ।
डॉक्टर इर्तिकाज अफजल साहब। फैयाज कुरैशी को जो लोग जानते हैं वो ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो धुन का पक्का इंसान है। आप उनके जो अखबार की तारीख है अगर उस पर नजर डालें तो अंदाजा होगा कि एक बड़ा अरसा उन्होंने बड़ी मुश्किलात, सोबतें, तकलीफें झेली, हर तरह से उस अखबार पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई, लेकिन वो धुन के इतने पक्के इंसान हैं कि उन्होंने हार नहीं मानी। एक तवील अरसे से इंसानियत ग्रुप नाम से एक तहरीक चला रहे हैं बाकायदा, और उन्होंने अपने इब्तदाई कलमात में आपसे मुखातिब थे और कहा कि कोई मजहब किसी एक मखसूस ज़ात, फिरके, जमात, समूह को मुखातिब नहीं करता बल्कि इंसानियत को मुखातिब करता है, इंसान से मुखातिब। लिहाजा मजहब की बुनियाद ही में इंसानियत मुजमिर है, उसमें छुपी हुई है, उसमें पोशीदा है। देखिए, बुराई 100 शक्लों में आपके सामने आती है और रोज़मर्रा का मामूल है हमारा। हम देखते हैं आजकल के बुराई जो है शक्लें बदल बदल के रोज आपके सामने आती है, लेकिन अच्छाई की कोई शक्ल नहीं होती। अच्छाई की शक्ल सिर्फ यही हो सकती है कि आप अच्छा काम करें, उसके अलावा अच्छाई की कोई शक्ल नहीं होती। अच्छे काम करें, और अच्छा काम करना जो हो इंसान की ऐन फितरत है, उसकी फितरत है। इंसान अच्छा काम करे उसकी फितरत है, बुरा काम इंसान हालात की वजह से, मजबूरियों की वजह से, कभी अपने साथ नाइंसाफी होने के खौफ से, कभी अपना हक तल्फ होने के खौफ से, कभी अपने मफाद के लिए इंसान बुराई में पड़ जाता है, वरना अच्छाई इंसान की फितरत है। इसीलिए उसको अशरफुल मखलूकात कहा गया, ये उसकी आइन फितरत है, उससे एतराज, उससे जो है कोई फरार नहीं है। लेकिन हम आप तमाम समाज में रहते हैं, हमारे अपने मफादात हैं, ज़रूरतें हैं, मसलहतें हैं, और इन मसलहतों की वजह से, इन ज़रूरतों की वजह से हमारी जो है एहतियाज है, उसकी वजह से हम दानिस्ता, ना दानिस्ता, और आज के ज़माने में ज़्यादा दानिस्ता तौर पर ऐसे काम करते हैं जिनसे समाज को नुकसान हो, किसी फ़िरक़े को नुकसान हो, किसी समूह को नुकसान हो, किसी जमात का नुकसान हो, किसी फ़र्द का, किसी ख़ानदान का, अफराद खाना का नुकसान हो। लेकिन अगर इंसान की फितरत में बुनियादी तौर पर अच्छाई और नेकी है तो इन बुराइयों को रोका जा सकता है। इन पर जो है धीरे धीरे आप एक तरह से इख्तियार हासिल कर सकते हैं। वो उसके लिए मज़हब है, एक तो बहुत बड़ा ज़रिया यह है कि आप जिस मज़हब के मानने वाले हो, फिर वो कुरान हदीस फ़िका हो, गुरुवानी हो, बाइबल हो, तौरेत हो, आप अपने अपने मज़ाहिब को मज़ाहिब की तमाम नुकात के साथ माने और उसकी हुरमत को बरकरार रखें। अपने अपने अकीदे की हुरमत को बरकरार रखना भी एक बहुत ही मुस्तहसन काम है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है मज़हब, मिल्लत, धर्म, समाज, समूह, ज़ात पात, भेदभाव, इन तमाम को बालाए ताक रखें, अलग रख दें, और हर इंसान के लिए अच्छा सोचें। शुरुआत तो अच्छा सोचने से करनी चाहिए, अगर अच्छा सोचेंगे आप तो अच्छा काम करेंगे। अगर सोच में ही अच्छा ही ना हो तो अमल में अच्छा ही नहीं होगी। तो इंसानियत ग्रुप के तवस्सुस से ये जो एक बेदारी की मुहिम है कि भाई हम अपने
नमाजों को समझ के अदा करें, अपनी इबादतों को समझ के अदा करें, जो भी इबादत है आपकी, किसी प्यासे को पानी पिला दें, किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी भटके हुए राहगीर को रास्ता बता दें, किसी अपाहिज को रास्ता पार कराने में उसकी मदद कर दें, किसी ज़ईफ बुजुर्ग का हाथ थामें और बहुत मोहब्बत और एहतराम के साथ उसकी मदद कर दें। तो इसमें ना कोई मजहब आड़े आता है, ना हदीस आड़े आती, ना फिका आड़े आता है। ये एक इंसानियत का काम है और इस इंसानियत के मिशन को लेकर फैयाज कुरैशी साहब चल रहे हैं। और आप यकीन मानिए कि फैयाज कुरैशी साहब के इस नेक अमल में हम दामे दिरंगे सुखने उनके साथ हैं, हर तरह से उनका साथ है। कुछ लोग समाज की खिदमत तालीम इल्म के ज़रिए करते हैं, कुछ ज़कात खैरात खैर के कामों के ज़रिए करते हैं, कुछ पानी पिला के करते हैं, कुछ जो है किसी को सहारा दे के करते हैं। तो इस इंसानियत ग्रुप का मकसद यही है कि ये बेदारी आम हो जाए, हर आदमी ये समझे कि मैं अपने आप में, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे अहले खाना, मेरे अजीज़ रिश्तेदार अकरबा, इनके जो मैं फ़राइज अदा करता हूँ वो तो करूँगा, लेकिन मेरा इंसान के ऐसे से फ़र्ज यह है कि इन तमाम चीज़ों से बाला उन लोगों की मदद करें जिन मुझे महसूस होता है कि इनको मदद की ज़रूरत है। और ये मिशन एक बहुत अच्छा मुकद्दस मिशन है। इतने अहम लोग मुझ जैसे एक बहुत ही आम इंसान को आपने यहाँ बुलाया, इज़्ज़त बख्शी, इस महफिल की सदारत बख्शी, मैं आपका ममनून मशकूर हूँ। लेकिन आप मैंने पहले ही कहा कि आप धुन के पक्के इंसान हैं, हार नहीं मानते कभी, न बातों में हार मानते हैं अगर आप उनसे डिस्कस चर्चा करें, और ना अमल में हार मानते हैं। बस एक शेर आपके लिए ख़ास तौर से कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आपका कारवां इसी तरह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। मैं आप तमाम मुंतज़मीन से, यहाँ जो मेहमानान खुसूसी हैं उनसे अदबन माफ़ी का खासगार हूँ, इल्तमास करता हूँ माफ़ फरमाएं। मेज़बान हैं फैयाज़ कुरैशी हैं, जब भी आवाज़ देंगे हम हाज़िर हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे नाजुक मसाइल हैं कि मेरा कहीं और भी रहना ज़रूरी है, तो मैं आप तमाम से माफ़ी चाहते हुए इजाज़त चाहूँगा कि मुझे जाने की इजाज़त दें। मैं इंशाल्लाह फिर शरीक रहूँगा और लंबी तकरीर करूँगा, फिक्र नहीं। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। इर्तिकाज़ अफजल साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और दिल चाह रहा था कि आप कहते ही रहें और हम सुनते ही रहें, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत कम सुनने मिलती हैं। अच्छे काम करने वाले समाज में हमेशा कम रहते हैं, उनकी तादाद कम होती है, लेकिन यही पूरे समाज को में इनकलाब पैदा करते हैं, इनकलाब लाते हैं। और इसी के साथ मैं क्या कर रहा हूं, जलदूत के जो हमारे मेहमान हैं यहाँ पर किशोर शीतोड़े साहब, ये यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के मेंबर भी हैं, उनका यहाँ पर इस्तकबाल इंसानियत ग्रुप की जानिब से किया जा रहा है और उनके कामों की सताइश के तौर पर ये एक एजाजिया के तौर पर उनकी खिदमत में सर्टिफिकेट और फूल पेश किए जा रहे हैं। बहुत ही मुतहरिक शख्सियत और बहुत ही नामवर सियासतदान, जिन्हें हम अपनी गली कूचों में हमेशा अपने साथ देखते हैं, हमारे सुख दुख के साथी किशन चंद तनवानी साहब की खिदमत में इंसानियत ग्रुप की जानिब से ये एजाज़ दिया जा रहा है। ये उनके कामों के आगे बहुत छोटा सी नजराना है, लेकिन अच्छे कामों की हमेशा सताइश की जाती है। ये
अवामी सतह से आपकी हमने सताइश की, के ग्रुप के भी अच्छा काम शहर में अंजाम दे रहा है। हाफिज अकील अहमद साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं और इंसानियत ग्रुप की जानिब से ये सर्टिफिकेट बतौर एजाज उनकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। हमारे दरमियान मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इंतेखाब हमीद साहब, जिन्हें डॉक्टर हमीद खान साहब के तौर पर तमाम लोग जानते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे अदीब, दानिश्वर और शायराना तबीयत के मालिक हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं अपनी बात गालिब के एक शेर से शुरू करूँ। गालिब बड़ा मुश्किल शायर है, कम वक्त आसानी से समझ में नहीं आता, लेकिन उसका एक शेर बहुत प्यारा है जो जिसका इंतबाक, जिसका एप्लीकेशन इस मौके पर किया जा सकता है। वो यह है कि बस के मुश्किल है हर एक काम का आसान होना, बस के मुश्किल है हर एक काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। जो हम दिखाई देते हैं वो आदमी की शक्ल सूरत में है। इंसानियत शायद आज के आदमी से कोसों दूर हैं और उसी आदमी को इंसान बनाने की कोशिश, मुसलसिल कोशिश फैयाज भाई किए जा रहे हैं, और इस कोशिश में आपका, हमारा शामिल होना एक बड़ा फरीजा है। एक बात मैं अर्ज़ करता चलूं कि एक बड़ा मुफक्किर था मगरिब का, उसने किताब लिखी जिसका उनवान है लोनली क्राउड, यानी इंसानों की आज भीड़ लगी हुई है, लोग ही लोग, इंसान ही इंसान नजर आते हैं, और कुछ आपके इतना करीब बैठे होते हैं कि बीच से हवा के गुजरने का भी रास्ता नहीं होता। देखकर बड़ी ईर्ष्या होती है, रश्क आता है कि कितनी कुर्बतें हैं, कितनी मोहब्बतें हैं, लेकिन दरअसल देखा जाए तो इन कुर्बतों में बड़ी दूरियां, बहुत फासले हैं, दिलों में बहुत बड़ी बड़ी दूरियां, रंजिश और फासले हैं। इन्हीं रंजिशों को, इन्हीं दूरियों को, इन्हीं फासलों को मिटाने का काम इंसानियत ग्रुप कर रहा है, जो एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। किसी सियासी जमात से इसका कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि यूँ भी कहा जाए कि किसी एक मजहब से, किसी एक फ़िरक़े से इसका ताल्लुक नहीं है। ये इंसानियत की हमा जहत तरक्की, इंसान और इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए उठाया गया कदम है। इसमें हम सबका उनके साथ शामिल होना बहुत ज़रूरी है। और हजरात, मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि आप कोई भी मजहबी किताब उठा लीजिए, वो गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, या खुसूसन हम कुरान को ले लें, अगर कुरान के मैसेज को हम सिर्फ दो जुमलों में समझना चाहें तो वो यूं है कि अच्छाई का सुझाव देना, मशवरा देना, अच्छाई के लिए किसी को रागिब करना और बुराई से रोकना, यहाँ तक कि बुरा सोचने से भी रोकना, क्योंकि कई बार बुरा सोचना बुरा करने से भी ज़्यादा मुज़िर और ख़तरनाक होता है। और हम सब बड़ी दयानतदारी और ईमानदारी से अगर देखें तो एक दूसरे का बुरा सोचने में ईमानदारी से लगे हुए हैं। इसी सोच को बदलने का काम इंसानियत ग्रुप कर रहा है कि हमारी सोच में सच्चाई हो, नेकी हो, और नेकी का कोई काम, पुण्य का कोई काम कभी छोटा नहीं होता, वो चाहे किसी के रास्ते से कंकर, पत्थर या कांटा उठाना क्यों ना हो। अक्सर मजहब के बारे में या धर्म के बारे में या रिलीजन के बारे में ये गलत फहमी है कि हमने पूजा को, प्रार्थना को, गिरजा में सर्विसेज को या मसाजिद में नमाज को, सिर्फ नमाज को इबादत समझ रखा है। बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम
اور مسلمان کے کردار کا اور کسی بھی مذہب کے پالن کرنے والے کردار کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جب وہ مندر، مسجد، گرجا، چرچ، گردوارا چھوڑ کر عام زندگی میں قدم رکھتا ہے، جب وہ عام لوگوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے، جو وہ اپنے آنکھیں بند کر کے اگر کوئی اس کو شخص نظر کوئی شخص اس کے سامنے ہوتا ہے تو وہ شخص کی خیر خواہی کے تعلق سے وہ سوچتا ہے، کسی ایک کی اچھائی کے تعلق سے نہیں سوچتا، سارے انسانیت کی بھلائی کے تعلق سے سوچتا ہے۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کا انسان دولت کی بھول بھلائیا میں، نام اور شہرت کی بھول بھلائیا میں، پاور کی پالیٹکس میں اتنا کھو گیا ہے، اتنا کھو گیا ہے کہ وہ اپنی شناخت کھو چکا ہے، آدمی نظر آتا ہے انسان نہیں۔ اور اسی آدمی کو انسان بنانے کے لیے آپ، ہم اس کوشش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس کلچر کی، اس دور کی دوسری بڑی مصیبت یہ ہے جس کا آپ، ہم اور مغربی ممالک اور دولت مند ممالک اور ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک سبھی شکار ہیں، وہ یہ ہے کہ آج کے اس دور نے آپ کو سب کچھ دے دیا، دولت دے دی، نام دے دی، شہرت دے دیا، عزت دے دی، شان و شوکت دے دی، کار بنگلو دے دیے، ساری آسائشیں دے دی، سکھ سویدھائیں دے دی، زندگی کے سارے تعیش مہیا ہیں، لیکن انسان کی آتما کو اس سے چھین لیا گیا، روح اس سے چھین لی گئی ہے۔ اسی روح کی بالید کی، پاکیزگی اور اس کے تقدس کے لیے یہ انسانیت گروپ کام کر رہا ہے۔ میں آپ کی جانب سے، اپنی جانب سے اور سارے انسانوں کی جانب سے فیاض بھائی کو اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ کام نبیوں والا، پیغمبروں والا، دیودوت والا کام ہے، اور اس کام میں شامل ہونا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ مجھے آپ نے صبر و سکون سے سنا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں چاہوں گا کہ وہ خان مقیم خان صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اسٹیج پر رونق افروز عمائدین شہر اپنے اپنے شعبوں کی معزز ترین شخصیتیں اور حاضرین جلسہ، سبھی مقررین نے مجھ سے پہلے وہ باتیں کہہ دیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا۔ شاید غالب نے اسی لیے کہا تھا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا۔ بہرحال جب یہ پروگرام شروع ہو رہا تھا تو اس کی غرض و غایت فیاض صاحب نے بتائی آپ کو، اس کے بعد جو مجھ سے پہلے مقررین تھے انہوں نے بھی اظہار خیال کیا، مؤثر طور پر کیا، اچھے ڈھنگ سے کیا۔ فیاض صاحب کے اس قافلے میں اپنی شرکت کی کا ثبوت دیا۔ جب میں یہاں آیا اور اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ فیاض صاحب نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، وہ ان معنی میں کہ بڑی کٹھن اور دشوار گزار راہ منتخب کی ہے۔ ہم اس جس دور سے گزر رہے ہیں وہاں انسانیت، محبت، آشتی، امن، بھائی چارہ، اخوت، یہ سب بے معنی بات ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہوتا یہ نہیں ہے کہ جب آپ کے حالات موافق نہ ہوں، جب ہوائیں مخالف سمت چل رہی ہوں، تو یہ کبھی نہیں ہوگا کہ آپ نے چراغ نہ جلایا اس خوف سے کہ ہوا مخالف ہے۔ فیاض صاحب، آپ نے جو محبتوں کا، انسانیت کا، بھائی چارے کا چراغ جلایا ہے، یہ آندھیوں میں بھی جلتا رہے گا، میں جانتا ہوں۔ دوسری بات، میں یہ کہہ رہا تھا ان سے اور میرے محترم نایاب انصاری صاحب سے، پہلے میں وہ بات کہہ دوں کہ میں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ ریڈیو پر خبریں سناتے گزارا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے رہتے ہیں، ایئر کنڈیشن اسٹوڈیو ہوتا ہے، اور آپ خبریں پڑھتے ہیں یا تبصرہ کرتے ہیں، بہت ذہین حاضرین کے سامنے بات کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ خوف بھی مجھ پر طاری تھا، لیکن بہرحال آپ نے آسان کر دیا، اور آپ بہت اچھی نظامت کرتے ہیں، بہرحال آپ بہت اچھے صحافی ہیں۔ صحافی وہ شخص ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر جو سرجن ہوتا ہے
جب آپ کے جسم میں کہیں کوئی ناقص اور خون بہنے لگتا ہے تو نشتر مار کر اسے نکال دیتا ہے. صحافی بھی جب معاشرے میں برائیاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنے قلم کے نشتر سے ان برائیوں کو دور کرتا ہے. تو آپ کا مقام تو بہت بڑا ہے, ہم یوں ہی سے بات کر لیتے ہیں. بہرحال یہاں آنے کی دو وجوہات یہ بھی تھے کہ ان سے میرے رابطے ضابطے جو محبتوں کے ہیں بہت عرصے سے ہیں, اور یہ بھی ہے کہ بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں, دور دور تک جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, اپنے پروگرام کے غرض و غایات بیان کرتے ہیں. میں ان کے ہر پروگرام میں شریک رہا ہوں, اور اب چونکہ یہ کانٹوں بھرے راستے پر چل رہے ہیں اور پیر میں چپل بھی نہیں ہے تو چھالے تو پڑیں گے, خون تو نکل آئے گا. وہ ایک شعر ہے کہ سرخ کانٹوں کی زبانیں جو نظر آتی ہیں آج صحرا میں کوئی آپ لاپا ہے شاید. تو آپ کے پیروں میں چھالے ہوں گے لیکن آپ اس تکلیف کا احساس نہ کریں. ادب کے حوالے سے بھی, انسانیت کے حوالے سے بھی, اور محبت کے حوالے سے بھی, اب جب بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ نہیں ہوتے, بھیڑ نہیں ہوتی ہے, لوگ پتہ جانے کیوں کہ اب محبتوں سے گریز کرنے لگے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ آپ اپنے پیغام کو عام کیجئے. محبت بہرحال وہ رشتہ ہے جو آخر تک باقی رہنے والا ہے. انسانیت کیا ہے, انسانیت کیا ہوتی ہے, محبتیں کیا ہوتی ہیں, رشتے کیا ہوتے ہیں, اور اس کو کیسے نبھایا جاتا ہے, اس سلسلے میں بھی اور مقررین ہیں. سرجیت سنگھ کھنگر صاحب بہت اچھے ڈھنگ سے اپنی بات پیش کریں گے, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. ہوتا یہ بھی ہے کہ بہت دیر تک آپ بول چکے ہوتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, مگر شاید میں نے بہت زیادہ وقت نہیں لیا ہے. میں آپ تمام کا مشکور ہوں. تھینک یو. جو لوگ آکاشوانی آل انڈیا ریڈیو پابندی سے سنا کرتے تھے اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ صبح صبح بہت میٹھی آواز خان مقیم خان صاحب کی سنائی دیتی تھی. ابھی آپ اظہار خیال کر رہے تھے اور انہوں نے چند لفظوں میں جو کہنے کی کوشش کی کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. پون ڈونگرے صاحب سر ہلا رہے ہیں. کانگریس کے بہت ہی بہترین اور بہت ہی ایکٹیو لیڈر ڈاکٹر پون ڈونگرے صاحب, نوجوانوں کی دھڑکن, میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر پون ڈونگرے. انسانیت کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے ہیں. ہیومینٹی سب سے بڑا اوپر والے کا ہیومن بینگ کو دیا ہوا ایک گفٹ ہے. ہم سبھی لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں ہر بار وہ انسانیت آتی ہے, لیکن ہم اس کو کبھی روک دیتے ہیں, کبھی اس کو سرو کر دیتے ہیں. جس طریقے کے حالات سارے بھارت ورش میں آج ہے, میں بہت کچھ ان مانیوروں کے بیچ میں بولنا نہیں چاہوں گا, لیکن بہت بار جہاں پر بھی مجھے تقریر کرنے کا موقع ملتا ہے, ہیومینٹی کے بارے میں بولنے کا موقع ملتا ہے, ایک شاعر کی لکھی ہوئی بہت خوبصورت سی ایک ایسی لائنیں ہیں جو میں ضرور ہر جگہ پہ پڑھتا ہوں اور ہمارے انڈیا کے لیے وہ بہت ضروری ہے آج کی ڈیٹ میں. میں وہی ایک چھوٹی سی کویتا آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. پولیٹیکل کلر اس کو ضرور ہے, مگر انت میں جب آپ اس کو پورا سنیں گے تو آپ کو ضرور لگے گا کہ سچ مچ اس ویکتی نے جو کہا وہ بہت گہری بات تھی. جیسے حالات سارے بھارت ورش میں ابھی ہو گئے ہیں, پہلے ہم دیکھتے تھے, بہت پہلے جب میں چھوٹا تھا میں بڈی لائن میں رہتا تھا, میرے والد صاحب آپ سب لوگوں سے پریچت ہیں, آپ ان سے پریچت ہیں, میں تو بہت چھوٹا ہوں, لیکن میرے جو والد صاحب ہیں ایڈوکیٹ ہیرا لال ڈونگرے, تو ان کی پریکٹس بھی جونا بازار میں تھی اور ہم وہاں پر ہمیشہ روز اسکول چھٹنے کے بعد میں ہمارے جتنے فرینڈس تھے ان کے ساتھ میں ہم وہاں پر کھیلتے تھے. سارا محلہ اپنا ہوتا تھا, جب بھی ہم گھر کی طرف نکلتے تھے تو محلے کی دادی ہماری دادی ہوتی تھی. ہمیں پیاس لگی تو ہم کو سوچنا نہیں پڑتا تھا کہ یہ گھر کس کا ہے, ہم اندر جا کر وہاں پانی پیتے تھے اور وہ لوگ ہم کو بٹھا کے بہت محبت سے پانی پلاتے تھے.
कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारा शहर इसमें पीछे होता जा रहा है। मोहल्ला कमेटी के नाम पर मोहल्ले के 5 बुजुर्ग हुआ करते थे, जैसे आप सब लोग आज स्टेज पे यहां बैठे हो, और वो 5 लोग निर्णय लेते थे कि हमारे मोहल्ले में क्या चीज होगी। अमन अखलाक और प्रेम की सिटी अपना शहर औरंगाबाद है। हम लोग बचपन से देखते हैं, मैं मॉडल स्कूल से पढ़ा हूं, मुझे कभी याद नहीं है कि किसी तरह के कोई अनकॉमन सवाल मुझसे किसी ने स्कूल में पूछा, जबकि संख्या वाइज अगर देखे तो क्लास के अंदर सिर्फ हम 3 लोग थे जो हम नॉन मुस्लिम थे, बाकी पूरे के पूरे हमारे फ्रेंड्स वहां पर थे पूरी ताकत के साथ, लेकिन क्लास का मॉनिटर 10 साल मैं रहा, जब से मुझे याद है तब से लेके लास्ट तक के। और ये स्ट्रेंथ जो थी, ये स्ट्रेंथ आज भी मेरे अंदर उतनी ही ताकत के साथ है, उतनी ही ताकत के साथ है। एक शायर ने कहा है कि नफरतों का असर देखो, नफरतों का असर देखो, इंसान तो ठीक है, जानवरों का भी बंटवारा कर दिया, न जाने कब गाय को हिंदू कर दिया और बकरे को मुसलमान कर दिया। ये पेड़, वो पत्ते, ये शाख, वो दरख्ते भी हैरान हो जाए अगर आज के इस हालात में परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। जिस तरह जाति के नाम पर, रंगों के नाम पर, धर्मों के नाम पर हम लोगों को बांट रहे हैं, हरा मुसलमान का है, लाल हिंदू का है, वो दिन दूर नहीं भाइयों जब मार्केट की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों के हिस्से की हो जाएगी और हम हिंदुओं के हिस्से में सिर्फ लाल गाजर और टमाटर ही रह जाएंगे। ये सोचकर तुम्हारी और हमारी तरह वो बेचारा तरबूज बहुत परेशान है, जो ऊपर से तो हरा है मगर काटो तो अंदर लाल है। ये कविता सारे भारत के लोगों ने अपने जहन में रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये देश है भारतवर्ष, ये ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा प्रतीक है। यहां पर देखो, खुद को चोट लगी तो जानवर भी रोता है, इंसान वो जो दूसरों के दर्द को समझे, इंसान वो है जो दूसरों की तकलीफों को समझे, खुद को मार लगा तो जानवर भी रोता है जिसको समझता नहीं है। मैं बहुत प्रभावित होता हूं जब ऐसे अनकॉमन इवेंट्स लिए जाते हैं शहर में ह्यूमैनिटी के लिए। मैं फयाज भाई का, उनकी सारी टीम का बहुत ज्यादा यहां पर उनको शुक्रिया देना चाहूंगा कि पहल ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, पहल जो रहती है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। संख्या को कोई वैल्यू नहीं है कि कितने तादाद में लोग आए, जरूरी वो है कि लोग वहां पर आए, और आज यहां पर वो शुरुआत हम देख रहे हैं। जो लोग यहां पर है उनमें मोहब्बत है, उनमें लोगों को कुछ देने की भावना है। मैं आपका जितना शुक्रगुजार मन से कर सकूं उतना मैं कम हूं कि मेरे जैसे एक नौसिखिए व्यक्ति को आपने यहां इस स्टेज पर बुलाया। यहां बहुत रति, महारति, यहां पर आदि रति सब बैठे हुए शहर के अंदर। ये जितने यहां पे सामने की लाइन में अंकल के पेपर तो आप देखो हमेशा, यानी मैंने इन सारे लोगों का किसी न किसी रूप से सामाजिक कॉन्ट्रीब्यूशन है। हमारे काफी पुराने लोग कहते हैं कि इंसान के हाथ में जितना बैठेगा ना यही उसका है, उसके आगे वो कितना भी समटने जाएगा तो वो नीचे जमीन पे गिर के मट्टी में मिलने वाला है, इससे पहले वो मट्टी में जाके मिल जाए वो मदद खिदमत हमको दूसरों को देनी पड़ेगी, तभी उसका वैल्यू होगा। मैं एक छोटी सी लाइन के साथ यहां पर समाप्त करता हूं, जिंदा हो तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, जो जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, है अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, मेरे हौसलों को मंजिलों की तलाश है, ये आंधियों की बिजलियों की पीठ पे सवार है, तू आ मुझे हसीन कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, जो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। हमारे सबसे बड़ी विडंबना होती है, पहले से हमको आज तक लोग कहते आए हैं स्वर्ग, स्वर्ग ऐसी जगह है जिसको हम बोलते हैं कि जन्नत, वहां सब कुछ मिलेगा जो आपने सोचा नहीं वो भी आपके पास होगा। अगर हम आज के डेट में लोगों को पूछें
कि भाई एक ऐसी जगह है जहां पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। कितने लोग हैं जो इसका मजा लेना चाहते हैं? तो 99% लोगों के हाथ ऊपर जाएंगे कि सचमुच में हमको इसका मजा लेना है, लेकिन शर्त उसमें इतनी होगी कि आपको स्वर्गीय होना पड़ेगा, तो एक भी हाथ ऊपर नहीं आएगा। यानी अगर स्वर्ग में सब चीजें मिल रही है तो उसके लिए हाथ 100% हमारा ऊपर रहेगा, लेकिन अगर हमारी एक बात उसके अंदर ऐड हो गई कि इसे पाने के लिए आपको स्वर्गीय होना पड़ेगा, तो एक भी हाथ ऊपर नहीं आएगा। ह्यूमैनिटी के बीच में सिर्फ एक थिन लाइन होती है, स्वार्थ के और ह्यूमैनिटी के बीच में। जिस दिन व्यक्ति सामने वाले को दूसरा बोलना बंद कर दे और बोले ये अपना है, तो ह्यूमैनिटी उसके अंदर आ जाती है। हमने यही सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति है वो अपना है, हम जो कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं, और खिदमत करने के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसा अभी यहां पर बहुत अच्छे से मुकीम साहब ने बोला कि एक व्यक्ति जो रास्ते से छोटा सा एक कांटा भी उठा के उसने बाजू डाल दिया, तो भी उसमें ह्यूमैनिटी है कि भाई किसी और को वो कांटा चुभे ना, किसी दूसरे को उससे तकलीफ ना हो। ये जज्बा अगर हर व्यक्ति में पैदा हो जाए, देखने का काम ही नहीं है, देखने का काम ही नहीं है। मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए माइक यहां पर हैंड ओवर करना चाहता हूं एक आखिरी की छोटी सी लाइन बोलकर कि छोटा हूं, अगर ह्यूमैनिटी में कोई व्यक्ति जो सबसे छोटा है वो भी अगर खड़ा हो जाए और सारे एक तरफ सेल्फिश लोगों को खड़ा कर दिया जाए, तो यही वो कहेगा कि छोटा हूं तो क्या हुआ, छोटा हूं तो क्या हुआ, आंसू हूं मैं एक, सागर जितना स्वाद है इंसानियत का, दम है तो चक्के तू देख। धन्यवाद। पवन डोंगरे अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, और आप यकीन जानिए कि यह सीना फूलकर 56 इंच से ज्यादा हो गया है, क्योंकि हमारे दोस्त एडवोकेट हीरालाल डोंगरे साहब की तरबियत का एक नमूना हमारे सामने था। जो तरबियत उन्होंने अपने फर्जंद को दी, हम वो देखकर बहुत ही खुशी महसूस कर रहे थे। हमारे दरमियान आप एक मेहमान के तौर पर तशरीफ लाए हैं, इसलिए रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी। इंसानियत ग्रुप की जानिब से आपका इस्तकबाल किया जा रहा है। इरशाद कुरैशी साहब सिटीजन्स के एडिटर इस्तकबाल कर रहे हैं। अच्छा काम करने वाले समाज में बहुत कम लोग हुआ करते हैं, लेकिन हम लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि जंगे बदर में कितने लोग थे और जंगे ओहद में कितने लोग थे जिन्होंने आज पूरे इस्लाम का गलबा यहाँ पर पूरी दुनिया में जिनकी वजह से हुआ है। तो ये नबियों का काम है, और फैयाज कुरैशी साहब के जहन में जो चीज़ थी कि जो मज़हब की बातें हैं, हम कोई कुरान पढ़ते हैं, हर मुसलमान अपने अपने घर में कुरान पढ़ता है, मस्जिद में जाकर इबादत करता है, बड़ी रातों को इबादत करता है, लेकिन ये बात भी बहुत हद तक दुरुस्त है, हमारे आलिम यहाँ पर मौजूद हैं, उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं, कि वो क्या पढ़ रहा है उसको नहीं पता रहता। इस बात को बताने के लिए और इसको सही तौर पर समझाने के लिए जिम्मेदार लोगों की ज़रूरत थी, जिनसे राब्ता कायम कर फैयाज कुरैशी साहब ने एक बाज़ाब्ता टीम तैयार की है, और इस टीम के मारिफत इस शहर से हिंदी अखबार जैसा सिटीजन्स है, वैसा उर्दू में रोजनामा हिंदुस्तान आपके साथ है, इसी तरह मराठी से भी मुझे बताया गया कि किसी से ताउन हासिल किया गया है, और अंग्रेज़ी ज़बान के अखबार से भी। इस तरह से हम फैयाज कुरैशी साहब की कोशिश है कि जो सही चीज़ है वो आवाम तक पहुँचे। तो आइंदा दिनों में, अभी ये काम शुरू हो रहा है, इस पर बहुत बारीक बीनी से काम किया जा रहा है, तो ये तमाम चीज़ें आप तक पहुँचते रहेंगी। जैसे जैसे काम बढ़ते जाएगा, इसकी जो अहमियत है, इस काम की जो इंसानियत का जो पैगाम पहुँचाने की बात की जा रही है, वो आप तक मुख्तलिफ ज़राए से पहुँचते रहेगी, और जो सही चीज़ है, मुस्तनद चीज़ है, वो आप तक पहुँचेगी। मैं गुजारिश करूँगा कि कुरान के पैगाम को आम करने के लिए शहर में जो काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं,
पेशे से हालांकि वो एक बिल्डर रहे हैं, मारूफ बिल्डर हैं, शहर में मॉल कल्चर को उन्होंने मुतारिफ करवाया है, सिटी मॉल उसका नमूना है, और बहसियत कारी अपनी महारत का लोहा उन्होंने पूरी दुनिया में मनवाया है, और आजकल अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालकर मैं देखता हूँ कि महल्ले महल्ले जाकर वो कुरान के पैगाम को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। कारी अब्दुल्ला मारकुनी साहब से मेरी गुजारिश है कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم الله يتقاكم صدق الله العظيم محترم ڈائس پہ بیٹھے ہوئے ہیں قابل احترام باعث عزت حضرات جو دانشور بھی ہیں عالم بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں پروفیسر بھی ہیں ہر لحاظ سے یہ بڑے اونچے مقام رکھنے کے قابل لوگ ہیں میرے سامنے جو سامعین ہیں آڈیٹرز یہ بھی ماشاءاللہ ان سے کچھ کم نہیں ہے میں نے کچھ کتابوں کی جو ہے اسٹڈی کیا ہوں جس میں رامائن بھی ہے اور بائبل بھی ہے اور قرآن بھی ہے ہندوستان ہمارا ایک ایسا ملک ہے جہاں تمام مذاہب آپس میں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھا رہے ہیں کوئی خلل نہیں آیا ہے یہاں اور ایک جھنڈے تلے زندگی بھی گزار رہے ہیں بھائیوں یہ ہندوستان کی ایک خوبی ہے کہ ایک یونٹی ان ڈائیورسٹی ایک اتحاد ہے کئی مذاہب میں لیکن پرابلم یہ ہے کہ مذہب کو پڑھنے کے بعد جیسے میرے بھائیوں نے کہا کہ اس پہ عمل نہیں ہوتا تمام مذاہب نے انسانیت کے اوپر اتنا زور دیا کیونکہ وہ ٹاپک ہی ایسا ہے ہر کتاب کسی بہترین شخص کی لکھی ہو یا اللہ کے پاس سے آئی بھی ہو اس کا مخاطب انسان ہی ہے اور انسان کو انسانیت کی تاکید کیا ہے احترام تکریم آدم انسان کی ریسپیکٹ ہیومن بینگ کو مقام دینا انسان کا ہی کام ہے وہ ریسپیکٹ تھی ایک زمانے تک تھی لیکن دور حاضر
ایک ایسا غلبہ کر لیا کہ وہ اخلاقیات اور مورل ختم کر کے ایک دم لیٹس زندگی آ گئی ہے. آپ دیکھیں اپنی عمروں میں لوگ جوڑتے تھے. میرا بھائی فیاض قریشی صاحب میرے پرانے دوست ہیں, انسانیت گروپ کا جس دن سب سے پہلے سوچے تھے تو ہم ہی دونوں تھے, وہ دن یاد ہے. نام لکھے گئے تھے لوگوں کے, ممبرس کے, بڑا بھاری کام ہے, میں نے بولا یہ. لیکن اللہ نے ان کی استقامت کو ایسے مضبوط رکھا, یہ تقریباً 15 سال پہلی کی بات بول رہا ہوں, انہوں اس پہ جمے ہوئے رہے. آپ یقین مانو قرآن نے ایسے شخص کی جو ہے تو بشارت دیا ہے. سورہ رعد چیپٹر نمبر 13 کی ورس 20 اور 21 کہہ رہی ہے, میں اردو میں ترجمہ سناتا ہوں, وقت زیادہ ہو جائے گا, کہ وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے وعدے کو اور اس کو توڑتے نہیں, اور وہی لوگ جوڑتے رہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نے حکم دیا ہے کہ ان کو جوڑا جائے, اور وہ اپنے مالک سے ڈرتے ہیں, اور وہ اس دن کے حساب سے بھی ڈرتے ہیں جوڑا بری طرح سے باریکی سے لیے جانے والا ہے. آپ دیکھ لیجئے قرآن کھول کے. تو تمام مذاہب نے اچھی تعلیم تو دی, عمل پیرا نے ہوئے. ہر انسان کے دو کیریکٹر ہیں, ایک باطنی کیریکٹر, فزیکل کیریکٹر, اور ایک ہے انر. انر جو کیریکٹر ہے اندر کا, وہ ہے روح کو ڈیولپ کرتا ہے. جیسے انسان بیمار ہوتا نا تو اس کو دوا دے کے اس کے باڈی کو ڈاکٹر ٹھیک کرتے ہیں, نسخہ تجویز کرتے ہیں. روح جب بیمار ہو جائے تو انسان اس کا دھیان نہیں دیتا. آج انسانیت سے مراد روحیں جو ہے ان کی کھوکھلی ہو گئی ہے انسانیت سے. انسانیت کو اگر اجاگر کرنا ہے تو ہر آدمی کو چاہیے, میں نے جو سیکنڈ ورس پڑھایا سورہ حجرات سورت نمبر 49 کی ورس نمبر 9 اور 10 پڑھا, اس میں کیریکٹر کیسے ڈیولپ کیا جائے, انسانیت کو کیسے فروغ دیا جائے وہ کہا گیا ہے. اور پہلی آواز ہے کہ اے لوگوں, تم اپنے ایشور خدا بھگوان گاڈ جو کہتے ہیں اس سے ڈرو, اسی نے تمہیں اس زمین پہ پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی, تاکہ تم اس کے پریشانی سے بچنے والے ہو جاؤ. دوسری ورس جو پڑھا میں نے کہ اے لوگوں, قرآن نے کہیں ہندو مسلمان کا تصور نہیں دیا, کوئی کاسٹ, کوئی کریڈ, کوئی مذہب, کوئی لینگویج, کوئی کلر, کوئی خطہ نہیں کہا, اس کا ٹاپک ہی ہم ہے. ہر کتاب کا یہی معاملہ ہے. اس نے کہا کہ اے لوگوں, ہم نے تو تمہیں میل اور فیمیل کی شکل میں پیدا کیا, اور ہم نے تمہیں ٹرائب اور فیملیز بنایا تاکہ تم پہچانے جاؤ. یہ پاٹل صاحب, دیشمکھ صاحب, سنگھ صاحب, کلکرنی صاحب, پٹھان صاحب, مرزا صاحب, سیاد صاحب, کیا ہے یہ ہم نے بنائے. وہاں کوئی ذات دھرم نہیں ہے. جس کو ایشور کہتے ہیں اس کو کہہ لیں, وہاں بھی کوئی ذات دھرم نہیں ہے. خدا کہیں, گاڈ کہیں, برہما کہیں, اس کے پاس تو ایک ہے میل اور ایک ہے فیمینائن, دو ہی جینڈر ہے, مسکولائن اینڈ فیمینائن. کسی خطے کا ہو, کسی ملک کا ہو, وہ انسان ہی ہے, اور یقین جانو وہ آپ کا بھائی ہے. کوئی بھی اس کے لیے چیلنج کر سکتا ہے. ایڈم اینڈ ایو یہ دو ہی تھے, ان سے یہ سب آئے ہیں. کیا کہا کہ قرآن نے کہا قرآن کی تعلیمات لو, کسی اور کی تعلیمات لو, تو آپ کو یہ کہا کہ ریسپیکٹ کرو. تکریم انسانیت, ماں باپ, پیدا کرنے والے کے بعد ماں باپ کا ریسپیکٹ فرض کر دیا اس نے. آج حالات دیکھیے,
ہندوستان کے نہیں، گھر کے نہیں، محلے کے نہیں، شہر کے نہیں، ساری دنیا کے، کہ لوگ اپنے پیرنٹس کو بھول گئے، روح بیمار ہو گئی، اس کو غذا مل نہیں رہی ہے، اس کو چیزیں درکار ہیں اس کو صحت مند کرنے کے لیے۔ فیاض بھائی نے جو جوڑنے کا کام شروع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی لیے بڑا بات شاندار اینڈ بتایا ہے، اور یہ جوڑنے کا کام اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے صاحب، اس کو جوڑتے جوڑتے انہوں تھک جائیں گے، مگر انہوں نہیں تھکے، میں سمجھ گیا تھا یہ تھک جائیں گے۔ میرے بھائی ڈاکٹر رشید مدنی صاحب ان کو بہت تقویت دیتے ہیں، اللہ ان کو صحت دے، ان کے جذبات کو اور بلند کرے، اس کام میں انہوں نے ان کو جو ساتھ دیا ہے، تو انسان کے لیے میرا ایک ہی نصب الہن آپ کے پاس بات کرنے کا، کہ آپ جس بھی دھرم سے ہے، ہر دھرم میں، ہر مذہب میں، ہر ریلیجن میں انسان کو ریسپیکٹ دینے کا کہا ہے۔ آج بھائی بھائی میں دیکھ لیے، حسد اور بغض ہے، باپ بیٹوں میں دیکھ لیجئے، پڑوسی میں دیکھ لیجئے، رشتہ داروں میں دیکھ لیجئے، پہلے لوگ سمیٹتے تھے سامانوں کو، چھپاتے تھے، دور دور کے رشتہ دار آتے تو جانے نہیں دیتے تھے، سامان چھپا دیتے کہ رہیں گے یہ، اب وہ سب ختم ہو گئے، کسی نے غور نہیں کرا یہ کیوں ہو رہا ہے، باپ اپنی کمائی میں مصروف، بیٹا اپنی تعلیم میں مصروف، کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ ہم کدھر ڈھلک رہے ہیں، آگے پتہ نہیں کیسا دور آئے گا۔ حضرات ہم کو بہت سوچ سمجھ کے اس پر ڈوب کر سوچنا چاہیے کہ یہ حالات کیوں ہوئے۔ ایک شخص ایسا کام کر رہا ہے وہ دیوانہ تو نہیں ہے، اس نے میں جو بول رہا ہوں اس سے زیادہ ڈیپ میں سوچ لیا ہے کہ انسانیت جو ہے ختم ہو گئی ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو رہا تو کوئی دیکھنے کو تیار نہیں کہ کام ہے گرفت میں آ جاؤں، پکڑ کے پولیس کے پنچنامے کے، اس کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کی جان بھی چلے جا رہی ہے، کیا ہے یہ؟ یہ تو دیکھیں آپ، رکھیں دل کو، دل آزاری کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں گے تو حقیر سے حقیر صدقہ یہ ہے کہ آپ ایک کاٹا نکال دیں، کسی کو راستہ بتا دیں، بوڑھے کی مدد کریں۔ یہاں تو گھر کے ہی ماں باپ کو نہیں پوچھا جا رہا، رشتہ داروں کا کوئی خیال نہیں ہے، یتام اور مساکین کا حق کھا جا رہے ہیں، کوئی چہرے پہ بل نہیں ہے، بچیاں پریشان ہیں، کسی بھی قوم کے ہو کیسا چلے گا؟ عدالتیں بھری ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ججمنٹ دینے کو، سالوں کیس پرولانگ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم بیٹھے ایسے محفلوں کے پاس، ایسے لوگوں کے پاس آئے، تذکرے کریں، مذاکرات کریں، مشورہ کریں، اس میں دین کی بھی معلومات ہو، کسی دھرم کی معلومات ہو، لڑکا لڑکی کو تکلیف، انسان نے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے پاس جو جان ہے میری وائف کے پاس بھی وہی ہے، چند دن، چند سال، چند مہینے، چند برس میں نے گزارا ہوں، اس کو کورٹ میں کیسے کھینچوں؟ اس کا باپ میرا باپ ہے، اس کو عدالت میں پکار کے کیسے للکاروں اسے غلط غلط آروپ لگا کے؟ یہ باتیں ہم سوچیں گے نہیں تو کون سوچے گا؟ یہ ہم ہی سوچیں تو آدھے میٹر بٹرا ہو جائیں گے، آدھے میٹر بٹرا ہو جائیں گے، انسانیت سوچے خالی۔ فیاض بھائی نے جو تحریک لے کے چلے ہیں، یہ تحریک کو غور کرو، یہ کوئی مشغلے والی وقت گزاری کی تحریک نہیں ہے، یہ گہرائی میں جا کر ایک بہت بہترین روشنی دینے والی تحریک ہے۔ ہر انسان کا کردار قرآن و حدیث ہو یا کسی دھرم سے ہو، آپ کو ایک مثال دے کے میں میری بات ختم کروں گا کہ ایک انسان نے ایسی زندگی گزارنا چاہیے، مثال کے طور پہ ڈاکٹر یہاں موجود ہیں، ایک لیڈی کی برتھ ہوتی ہے، ڈیلیوری پین ہو رہا ہے، خاندان کے لوگ پریشان ہیں، اور جب بچہ تولد اور پیدا ہوتا ہے، برتھ لیتا ہے بیبی، تو وہ جو ڈاکٹر رہتا نا، ڈاکٹر کیا کرتا، بچہ مکمل صحت مند ہے کہ نہیں یہ دیکھتا ہے، اس کو مارتا ہے، اس کے احساسات ہے کہ نہیں، آواز سننے کی صلاحیت، رونے کی صلاحیت، چیخنے کی صلاحیت، مار برداشت کرنے کا احساس ہے کہ نہیں۔ جب بچہ روتا ہے
تو وہ اہل خاندان کو اہل خانہ کو ڈکلیئر کرتا کہ بچہ بیبی از ٹوٹلی فٹ, بچہ ہر طرح سے تندرست ہے, خوشیاں مناؤ. یاد رکھے یہ لمحے کو, میرے پہ بھی گزرا, آپ کے بچوں پہ بھی, میرے بچوں پہ, میری مہو کے ساتھ, میری بہن کے ساتھ, میری بیٹی کے ساتھ. جب بچہ روتا ہے تو آپ کے پیرنٹس مٹھائی بانٹتے ہیں, یعنی آپ روئے میں بھی رویا, انہوں بھی روئے, انہوں بھی روئے, انہوں بھی روئے. جب برس لیے ہم نے تو ہم کو رلایا, کہ رلا کے محسوس کیا, تو سارے خاندان کے لوگوں نے, میرے ماں نے, باپ نے, بھائی نے, رشتے داروں نے, نانا نانی نے مٹھائی بانٹے ہیں, لڑکا ہو یا لڑکی ہو. مطلب یہ نکلا کہ آپ رو رہے تھے تو لوگ ہنس رہے تھے, آپ روئے, دنیا ہنسی. جب اس دنیا سے آپ جائیں گے, آپ کی ایسی انسانیت ہونا, ایسے کیریکٹر ہونا, ایسا خلوص اور ایسا ہمدردی ہونا, اور ایسے لوگوں سے جو ہے تو آپ کی دل ملاوٹ ہونا, کہ آپ جب مریں گے, مرنا برحق ہے کسی کو بھی, کسی کو اس ہارڈ ڈوز سے, کڑوی ڈوز سے انکار نہیں ہے. جب آپ مریں گے تو آپ مسکرانا اور آپ کے دیکھنے والے لوگ ہنسنا, یہ ہے صاحب انسانیت کا بیس. جب آپ جائیں گے تو آپ مسکراتے ہوئے رہنا ہے, لوگ بولنا یار ایسے سوئے جیسے مسکرا رہے ہیں, اور پورے کے پورے دوست ہو, برادر ہو, رشتہ دار ہو, خاندان والے ہو, وہ رونا, یہ کیریکٹر ہے. تو اس نے انسان کا انسان ہونا فٹ کر کے گیا ہے. اس کا جواب اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان نے انسانیت سے زندگی گزارا. میں نے آپ سب کا ٹائم لیا, مجھے 10-12 منٹ بولنے کا وقت دیا گیا تھا, میں نے پورا آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکا, میرے کو احساس ہے. انشاءاللہ اور بھی مقررین ہیں, انشاءاللہ پھر وقت ملے گا تو پھر بات کریں گے. لیکن میری ایک ہی تلقین ہے آپ کے پاس, ایک ہی ریمائنڈر ہے کہ آپ انسان کے بن کے زندگی گزاریں گے تو آپ کو یہاں بڑی پرسکون لائف ملے گی, یہاں لائٹ دے دے گا, یہاں اطمینان ہوں گا کہ میں نے دین میں کچھ کیا ہوں, کمایا یا نہیں کمایا, مگر روح کی سکونت, تسکین, قلب سکون کہاں سے ملے گا؟ جب کسی مسکین کی, کسی بوڑھے کی, کسی غریب کی, کسی پریشان حال کی, کسی بیمار کی آپ نے معاشی, بدنی, جیسی بھی مدد کر سکے کرے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیسہ ہی ہونا چاہیے, آپ کے پاس طاقت ہے اس سے کرے, زبان سے کرے, بدن سے کرے, ہاتھ سے کرے, آپ کیسے مدد کریں, مدد کرنا چاہیے, علم سے کریں. آپ مدد کریں گے تو آپ کا نام انسانیت میں, یعنی آپ کے جانے کے بعد کچھ دن آپ کے چرچے چلتے رہیں, آپ کے چرچے چلتے رہیں. بس میرا یہی ایک درخواست ہے, انشاءاللہ پھر ملیں گے تو اور بات کریں گے. سبحان اللہ, شب خیر. ہمارے بیچ نوین اوبیرائے تشریف لائے ہیں جو منموہن سنگھ اوبیرائے کے فرزند ہیں. ان کا استقبال سٹیزنز گروپ کی جانب سے ارشاد قریشی صاحب کر رہے ہیں. ساتھ ہی اور دو لوگ ہمارے بیچ آئے ہیں, سلوجا جی جو سندھی صاحب گرودوارا کے سیکریٹری ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہارون یوسف مکاتی جو روٹی بینک, کپڑا بینک اور نہ جانے کتنے بینک اب وہ کھولنے والے ہیں مجھے پتہ نہیں, لیکن یہ انسانیت کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یوسف مکاتی صاحب, ان کا استقبال ادارے کی جانب سے کیا جا رہا ہے. سرجیت سنگھ کھنگر صاحب سے پہلے یوسف مکاتی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. انسانیت جو دنیا سے بہت زیادہ دھیرے دھیرے کم ہوتے جا رہی, اور فیاض بھائی انسانیت کو آگے لا رہے, اس کے واسطے فیاض بھائی کے ساتھ ہم دل و جان سے, ہم اور ہماری پوری ٹیم فیاض بھائی کے ساتھ کھڑی ہے. بھائیو بہنوں, بھائیو, ایسا ہے کہ انسانیت اپنے دل میں ہونا چاہیے. 5 سال پہلے میں بھی کاروباری ہے, میں بھی چھوٹا موٹا کام کرتا, کاروبار کرتا, میرے دل میں بھی انسانیت جاگی. میں سوچا کچھ اپنے لیے تو اپن ہر کوئی جیتا, لوگوں کے لیے زیادہ جی کے دیکھتے اپن, کچھ اپنی خواہش مار کے. تو میں نے میرے والد صاحب کے نام پہ چالو کیا ہارون مکاتی اسلامک سینٹر, جہاں پہ آج کی تاریخ میں 2000 لڑکیاں روز فری میں ٹریننگ لیتی,
और वो भी हम लोग ने ऐसा बनाए जैसा हम हमारे घरों में एयर कंडीशन में रहते, दुकानों में एयर कंडीशन में रहते, उसी तरीके से हमने हमारी माँ बहनों के लिए पूरा फ्री एक सेंटर बनाए जिसमें सब एयर कंडीशन सुविधाएं के साथ है, जहाँ पे एक रुपया भी देना नहीं पड़ता और वहाँ पे गरीब की अमीर की सब बच्चे बच्चे आके अच्छे से तालीम लेते, जिसे मेहंदी सीखते, कंप्यूटर सीखते, आपके जो तो फैशन डिजाइनिंग सीखते, ऐसे 15 कोर्सेस पूरे सीखते। तो ये टाइप का काम हम लोग ने इंसानियत के वास्ते हम लोग ने एक एज अ मुस्लिम्स और ऑल कम्युनिटी के वास्ते हम काम करते, यानी ये एक मिसाल है कि भाई मुसलमान भी ऐसा काम करता, ठीक है। इसके बाद हमने जब देखे कि यार परेशानी तो साली बहुत ज्यादा है मुस्लिम्स के अंदर और कम्युनिटी के अंदर, तो हमने चालू किया रोटी बैंक। रोटी बैंक चालू करने का हम हमेशा सोचते रोटी बैंक की हमेशा पब्लिसिटी बहुत होती, हमने ऐसा कौन सा झंडा काटे रोटी बैंक का, बराबर है। तो हम बाद में सोचते थे यार 700-800 आदमी रोज पर डे वहां पे खाना खाते, और मजे की बात यह है कि हमने आज तक कभी चूल्हा जलाया नहीं, ये लोगों की मदद से, लोगों की मदद होती और अल्लाह के करम से कोई भी वहां से खाली हाथ जाता नहीं। फिर इसके बाद हमने कपड़ा बैंक चालू किए, यानी आपका जो वेस्ट कपड़ा था लीकी पैंट लिवाइस की पैंट आप 6 महीने पहन के फेंक देते, वही गरीब 4 साल पहनता, वही आपको दुआ देता, साथ में थोड़ी बहुत दुआ हमको भी लगती है, हम उसका थोड़ा काम कर लेते। तो इसके बाद हमने चालू किया कपड़ा वाटर बैंक। वाटर बैंक देखिए साहब, हमने अपने, मैं हमेशा सोचता था कि यार ये तनवानी सिंधी आदमी है, पानी बांटता, इतना बड़ा शहर है, पैसे वालों का शहर है, एक भी मुसलमान पानी बांटता नहीं, क्या बात है। तो बोला चलो अपन इसकी शुरुआत करते। तो मेरे को मेरे मामा की तरफ से मेरे को फ्री प्लॉट मिल गया। जैसा कल फैयाज भाई ने बोले, मैं मेरी 8 एकड़ जमीन वॉफ करने वाला हूँ। हमारे 1 घंटे में जितनी मेरे को खुशी नहीं हुई, उन्होंने 8 एकड़ शहर के अंदर मेरी वॉफ कर रहा, मेरे को इतनी खुशी हुई जिसकी लिमिट नहीं, कि ऐसे भी पैसे वाले औरंगाबाद के अंदर जो अपनी 8 एकड़ जमीन शहर की वॉफ करेंगे पब्लिक के नाम पे। तो उसके लिए जोरदार तैयार तालियां फैयाज भाई के लिए। दूसरी बात, हमने वहां पे वाटर बैंक बनाए जहां पे आज की तारीख में 1 लाख लीटर रोज पानी फिल्टर करके हम लोग पूरे शहर को बांटते। हमारी 15 रिक्शे पूरे शहर में आपको घूमेंगी पानी बांटते हुए, वहां से भी हम लोग पानी लेके जाते, बांट देते और सब जगह से पानी देते। एज अ मुस्लिम मेरे को प्राउड फील होता है कि मैं अच्छा काम कर रहा, ये इंसानियत का काम है। अभी शहर में कोई भी आपको ऐसा हिंदू बोलेगा नहीं, मियां भाई लपुट रहे काम नहीं करते। अरे काम कैसा नहीं करते, हमारा भाई काम करता और काम करके बताए, ये इंसानियत का काम है। ये मैं बोलता जितने पैसा सबने थोड़ा थोड़ा काम करे ना, तो शहर बहुत आगे निकलेगा, देश बहुत आगे निकलेगा। खाली इतना है कि भाई 2-3 प्रॉपर्टी कम कमेगा आदमी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। किसका 25 रहती, किसका 50 रहती, किसका 2 रहती, तो एक प्रॉपर्टी कम कमेगा उन्हें। हमारे पास एक चलता है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चाय पे शादी का, जिसमें गरीब की माँ बाप को 1 रुपया भी खर्चा नहीं आता, पूरा खर्चा हम लोग हमारे पास से करते। दहेज दान हर चीज, पलंग बिस्तर अलमारी 11 जोड़ी कपड़े बर्तन भांडे का पूरा किट देते उसको, और उसकी बेटी बोल के नहीं करते, हमारी खुद की बेटी समझ के हम करते। हमारी कार देते, कार में लाते, लेके जाते, पूरी सर्कस हम करते, और बाहर की बारात रहते उसको खाना भी खिलाते, नहीं तो कभी फ्रूट पार्टी करते, कभी आइसक्रीम पार्टी करते। इस टाइप से गरीब की बेटी की शादी होती है, हम हर साल 70-80 शादी कराते और पिछले 4 साल से हम काम कर रही है, और लड़की के माँ बाप को 1 रुपया भी खर्चा नहीं आता। आपकी तमाम दौलत एक जगह पे, और जब लड़की की माँ को अपन पूछते बाजी कितना खर्चा है, और जब उसकी माँ के आंसू निकलते ना, यकीन मानो लिटरली सुभान अल्लाह, कि क्या बोलना आपको। आज भी हमारे पास एक शादी हुई, उस्मानाबाद का लड़का था, लड़की औरंगाबाद की थी, उनके वालिद साहब फर्स्ट क्लास कपड़े पहन के आए, उनको 1 रुपया भी खर्चा नहीं आया। उनकी बेटी की शादी में बिरयानी का खाना हुआ, पूरा फर्स्ट क्लास चाय पानी पर शादी हुई, दहेज दान के साथ मान सम्मान के साथ उनकी बेटी की विदाई करे हमने, और उनको 1 रुपया भी खर्चा नहीं। और आखिरी में दोनों माँ बाप ने मेरे सर पर हाथ रख के दुआ दी, इससे बड़ी इंसानियत क्या होना आप बोलिए मेरे को। हम हर साल, हमने क्या करे, धीरे धीरे चैन बनाते चले। हम पिछले 5 साल से काम कर रहे थे, हमारे साथ चैन बनते चल रही। अभी हमारे साथ बजाज ऑटो वाले जुड़ गए, बजाज ऑटो वाले जो तो हमको हर साल 15,000 चश्मे देते, एक चश्मे की कीमत 850 रुपये। अभी 2 कैंप हमने उनके ले लिए, अभी तीसरा कैंप अभी ये महीने के अंदर उनका, हमारा अगले महीने के अंदर कैंप है। फिर हमारे पास में हमने ये कैंप के अंदर हमने देखे एक बात साहब, ये कैंप के अंदर हमने देखे एक डॉक्टर साहब बोले आए नीचे बस में, बोले यार वो बुजुर्ग को देखो यार, उनकी आंख का दीदा पूरा निकलने को आगा, बोले पीप भर गया उसके अंदर, और उनके 3 जवान बेटे और उनका मोतियाबिंद पूरा पक गया। मैंने बोला सबकी लिस्ट बनाओ। फिर मैंने पूरे डॉक्टर को ढूंढा, बोला फ्री में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कौन करता। तो स्मिता फाउंडेशन के अग्रवाल जी है, उनको उनके लोगों को हमने पटाया, बोला सर हमारे पास भी ऐसे ऐसे लोग आते, आप हमारे लोग लो। बोले आप 365 दिन जितने भी लोग आएंगे हम उनका ऑपरेशन पूरा फ्री में करेंगे, खाने पीने के साथ करेंगे। आज हमने 1,750 ऑपरेशन कराए और बिना 1 रुपया खर्चा, हमारा कुछ नहीं गया, हमारा 1 रुपया भी नहीं गया। उनकी एम्बुलेंस आती, पेशेंट लेके जाती, 2 दिन बाद लाके वापस भी छोड़ देती खा पी के। तो हर इंसान नेकी कर रहा अपने अपने तरीके से। तो जितने पैसे वाले कोई ना कोई अपने अपने उसमें काम करते रहो। मैं ज्यादा देखता ना मुस्लिम लोगों को, अपने लोगों को, जमीन के नीचे आसमान के ऊपर की बात।
और पैसे वाले छुपते मस्जिद के आड़ में। आप कभी भी खास तौर पे देखो, आपके कॉलोनी का करोड़पति भी रहेगा ना, तो उसके रिश्तेदार गरीब, भाई गरीब की जकात दो ना भैया, यानी हमारे रिश्तेदार को देते हैं, मस्जिद को देते हैं। अरे भाई ह्यूमैनिटी के लिए कुछ तो करो, कहीं तो योगदान होना क्या नहीं होना, पैसे वालों का होना क्या नहीं होना, है क्या योगदान अपने वास्ते। मैंने हम लोग को देखो, हम लोग को भाड़े आते, मैं बहुत सोचा कि मैंने यार गरीब को भाड़ा कैसा ना कैसा 1800 रुपये विवाह औरत को आना, तो सबसे आसान तरीका क्या दिखा मेरे को, हथगड़ी। जबकि पैठनगढ़ में सबसे ज्यादा विरोध मैं करता हथगड़ी का, मगर मैंने 100 विवाहों को, पिछले महीने में 100 विवाहों को हथगड़ी दिया मैंने। आज वो विवाहों को 700 रुपये 800 रुपये महीना रहा, उनकी दवा गोली का खर्चा चल रहा। ये दुआ किसे काम में, मेरे बाल बच्चों काम में ना, तो शहर के पैसे वाले ऐसे बहुत काम कर सकते। और जब हमने स्टेज के ऊपर लोगों को बुलाए थे और पूरे डॉक्टरों की टीम थी, हमने उसके साथ में लंगड़े लोगों को हमने व्हील चेयर भी दिए थे, तो जितने भी स्टेज पे गेस्ट थे सब गेस्ट की आंख में आंसू थे कि यार इतने लोग परेशान हैं और अपन कारों में घूमते ये करते वो करते, तो ऐसा सबके दिल में। मगर काम करने का जज्बा जो आता ना, वो कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता। आदमी क्या करता, 1000-2000 देके जान छोड़ा था, जान दे यार उसका निपटेगा। तो हम क्या करते कि हमने देखो, सबसे पहला हमने क्या शुरू करे, हमारा पहला महीना खर्चा था हमारा 1 लाख रुपए का, आज हमारा 3-3.5 लाख का खर्चा है महीने का। हमने पहले पैसे कमाए, पैसे कमाए, भाड़े बनाए, फिर हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर हम काम कर रहे। आज हमको 3-3.5 लाख खर्चा, हमको भाड़ा आ रहा, हमारा पैसा उसमें से निकल जाता आसानी से। हमने आज तक 5 साल में 1 रुपया भी चंदा नहीं लिए, 1 रुपया भी डोनेशन नहीं लिए, 1 रुपया भी किसी से फीस नहीं लिए। हमारे जो शौक है हमने हमारे शौक कम कर दी। हम साल में 2 बार फॉरेन जाते थे, बिल्कुल बंद। साल में 1 बार गाड़ी बदलते थे, बिल्कुल बंद। हर हफ्ते खाना खाने जाते थे, बिल्कुल बंद। हमारे साथ में वो आए नहीं साहब, हमारे खालिद साहब। एक बार हम पाशा बेग ढाबे पे खाना खाने गए, अरे बोले अपने खाने का नहीं, 2000 में एक बच्ची काम हो जाएगा। तो ऐसे लोग भी, सोच विचार के लोग है भी अपने पास में, नहीं ऐसा नहीं है। तो मैं तो देखो ये काम में चल रहा, धीरे 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 कर रहा। अभी आप मेरे लिए भी एक दुआ करिए कि अभी हम लोग एक रोटी बैंक का एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च करने वाले 2 महीने बाद में। अभी तक हमने हमारे पैसे से बहुत कुछ करे, एक गुडविल बनाए, एक स्टडीज बनाए, एक क्लास बनाए। अब हम जा रहे हैं पब्लिक डोमेन के अंदर और गवर्नमेंट के अंदर। अब हम गवर्नमेंट से पैसा लेंगे, पब्लिक से पैसा लेंगे, और रोटी बैंक को जो है तो मोटिवेट करके रोज 10,000 लोगों का खाना, जैसा आपके अरब कंट्री में मिलता मक्का मदीना में, बिस्लरी बॉटल के साथ, पूरा फूड पैकिंग के साथ। और ये खाना किसको मिलेगा आपको मालूम है क्या? आपने बोलना मेरे महल्ले में, मेरे गली में 4 बेवाएं, 40 बेवाएं, उनको एक टाइम खाना बराबर हमारी रोटी बैंक से आ जाएगा उनके घर तक की। इसके लिए आप खास तौर पे दुआ करो मेरे लिए कि अल्लाह ये मिशन के अंदर मेरे को कामयाबी दे करके। ये खर्चा छोटा मोटा खर्चा नहीं है मेरे भाई, हर महीने 30-35-40 लाख का हर महीने का खर्चा है, हर महीने का खर्चा है। और ये पैसा आप लोग कहां से आएगा? इंडिया में जितनी भी फैक्ट्री है सब जगह हम चक्कर मारेंगे, हर जगह आ जाएंगे, जहां नहीं जाने का वहां पे भी जाएंगे। हर दुकानों में आपको रोटी बैंक का डब्बा दिखेगा, 1500 की खरीदी करेंगे, 50 रुपये धान में डब्बे में डालेंगे, क्योंकि अपना रोटी बैंक चलेगा ऐसा, दिखेगा ऐसा। और रोटी बैंक के अंदर हमने क्या करें, कोई जात पात का भेदभाव रखे नहीं। हम और बब्बी सेठ, हमारे सब समाज के लोग है, गुजराती है, मारवाड़ी है, पंजाबी है, मराठी लोग है, सब साथ में हम काम करते पूरे पूरे। तो आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ करो कि भाई रोटी बैंक का ये मिशन हमारा, जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, अल्लाह उसको हमको कामयाब भी करने लगा है। पिछले हम 6-2-3 महीने के अंदर इंशाल्लाह इसको लॉन्च करेंगे अच्छे से। तो हमारे लिए आप लोग दुआ करिए। हम लोग साल में देखिए 4 बार जो है ना मेडिकल कैंप लेते हैं, नहीं 4 बार नहीं, हर महीने 1 बार मेडिकल कैंप लेते हैं हम, यानी साल के 12 मेडिकल कैंप हो गए हमारे साथ। तो हमने क्या किया, सब लोगों को जोड़ दिए धीरे धीरे धीरे। कभी जिला आंटी का वो आता, कभी शोएब हाशमी साहब का आता, कभी डॉक्टर पाटिल का आता, अभी कब कल हमने अफजल साहब का लिया, जिसमें 1300 लोगों को कुछ हमने मेडिकल कैंप फ्री में सब सुविधा दिए। तो धीरे धीरे काम करें ना, तो आप काम करने में मजा भी आता आपको। अभी देखिए, मैं पिछले 4 साल से रमजान में ज़कात 1 करोड़ जमा करता हूँ। अभी पिछले साल मैंने रमजान में 1.5 करोड़ पे कपड़े बांटा, कितने के, 1 रुपया मेरे जेब का नहीं था, ये लोगों की मदद से, लोगों की मदद थी। मैं हर दुकान जाता, डेड स्टॉक दीजिए भाई, एक दुकान में 3000 पीस है, 200-300 पीस नहीं बिकते, वही 200-300 पीस अपने को देते, वही अपने गरीब माँ बहन के काम में आए थे। मैंने 1.5 करोड़ कपड़े बांटा पिछले साल में, ये साल में। और यही कॉस्ट अपने हिंदुओं के वास्ते वापरे, हिंदुओं की मदद से, हिंदू की मदद, उसमें हम एक भी मुसलमान को देते नहीं, वो हिंदुओं से लेते हैं, हिंदुओं को देते दिवाली के टाइम पे। तो हमने मेरे ख्याल से टाइम पे 5000 कपड़े बांटे थे और पूरे शोरूम के भारी भारी ड्रेसेस। तो ये काम हम लोग धीरे 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 कर रहे शहर के अंदर। और फैयाज साहब ने भी जो है तो अभी बहुत अच्छी चैन बनाए इंसानियत की। हम फैयाज भाई के साथ हमेशा, हम जब से छोटे थे, हमारे मामा के एक्चुअली दोस्त हैं अमन भाई के, फैयाज भाई, तो हम जब से उनको देखते बड़े हो रहे,
हमको हुक्म आया, हम एक मिनट के अंदर आ गए, आप बोलिए फैयाज भाई हम आपकी क्या खिदमत करें, फैयाज भाई आपको प्रोग्राम आना पड़ेगा, हम बोले बिल्कुल सब आ जाएंगे हम, तो हमारे लिए भी दुआ करिए, हमारे जो टीम के 100 लोग हैं उनके लिए भी दुआ करिए कि अल्लाह उनसे ऐसे ही काम लेते रहे, इंसानियत के काम लेते रहे। और मुसलमान लोग जो है ना, जो अपने पैसे वाले वो कहीं बचे नहीं, वो भी देशभक्ति के अंदर कहीं तो भी आ गए, अपना योगदान दे। आपको मालूम है क्या, इंडिया के अंदर टॉप मोस्ट जो 10 लोग है जिसमें से 5 लोग जो पैसे वाले उनकी फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, और सबसे मजे की बात यह कि उनका एक भी चैरिटेबल हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल हिंदुओं के आरएसएस कंपनी के, इनके उनके, मुसलमान का ही, मुसलमान का योगदान मस्जिद के अलावा दिखता कहीं पे भी, कहीं योगदान करो यार, कहीं तो भी कुछ तो भी करो। तो सबसे आसान तरीका हम जो कर रहे कम से कम वो तो करो, रोटी खिला दो किसी को। तो हमने धीरे धीरे रोटी बैंक 39 जगह इंडिया में खुलने लगाए, और कपड़ा बैंक जो था 23 जगह खुलने लगाए। ये काम हम कर रहे अकेले शुरू करते हैं, आज 200-300 लोग हमारे साथ में जुड़े हुए, 100 लोगों की टीम तो हमारी माशाल्लाह पूरी अच्छी टीम है एकदम, हम काम कर रहे हैं। आप लोग हमारे लिए, हमारे टीम के लिए दुआ करिए। ये बोलकर दो बात खत्म करता हूँ, अल्लाह हाफिज़। हमारे दरमियान डॉक्टर बोराड़े साहब तशरीफ़ फरमा है हॉल में, उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, उनका इस्तकबाल इंसानियत ग्रुप की जानिब से किया जाएगा। डॉक्टर बोराड़े साहब, इसी तरह अशफाक कुरैशी साहब हमारे सोशल वर्कर और कॉरपोरेटर इस वार्ड के, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर बोराड़े साहब को एक एजाजी तौर पर सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है इंसानियत ग्रुप की जानिब से। सर, 2 मिनट के लिए बोराड़े साहब अपने ख्यालात पेश करेंगे। इंसानियत ग्रुप की वजह से मुझे जो मान सम्मान दिया गया, मैं आप सभी का वो शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत किसान परिवार से हूँ, हमारे गांव में जाने के लिए रास्ता तक नहीं था उस जमाने में। पिताजी किसान है, माताजी हमारी मजदूरी काम करती है। इस वक्त करते करते हम शहर में आके स्लम में रह के आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ, और सर की बहुत दुआ है, उन्होंने मुझे पिछले 4 साल से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, पढ़ाई करते करते पढ़ते पढ़ते उनके साथ बहुत कुछ सीखा हूँ, इंसानियत क्या होती है, मानवता, ये जो खुद में नहीं था तो उन्होंने मुझे बहुत आगा हौसला दे के आज मैं ये मुकाम पर पहुँच के उनके साथ था। आज मेरे जो ये सफलता के पीछे सर का बहुत योगदान है, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, मुझे बोलने का वक्त दिया। सुरजीत सिंह खुंगर साहब से गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। इंसानियत ग्रुप हमारे फयाज कुरैशी साहब, जो सिटीजन के चीफ एडिटर भी हैं, और इंसानियत ग्रुप उन्होंने बनाया। मेरा फयाज भाई से 1987 से रिलेशन है, यानी आज उसको 31 साल हो चुके हैं, और मुझे आज इस प्रोग्राम में उन्होंने बुला के मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि सब लोगों ने जो इंसानियत के साथ जुड़े हुए हैं, और आज सही मायने में इंसानियत की ज़रूरत है, और उसमें बाकी के लोगों ने जो बताया मुझे, आज हमारे इस प्रोग्राम के बीच में डॉक्टर फजल साहब थे, वो चले गए, अध्यक्ष थे इस कार्यक्रम के, फयाज कुरैशी साहब, हमारे खान मुकीम खान साहब, हमारे यूसुफ मुकाती साहब, हमारे मौलाना मदनी साहब, नवीन ओबराय जी, पवन डोंगरे जी, हमारे हरविंदर सिंह जी मुकाती साहब, हमारे मकरोनी अब्दुल्ला साहब जिन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की, और हमारे सरबरा, हमारे जिनका हमेशा हमारे सिर पे हाथ रहता है, ऐसे हमारे नायब अंसारी साहब, इलियास किरमानी साहब, और स्टेज पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उन सबको सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और गुरु महाराज की एक छोटी सी बात से अपनी बात को शुरू करता हूँ। गुरु महाराज ने क्या बोला, अव्वल अल्लाह नूर उपाए, कुदरत के सब बंदे एक नूर से जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जब हम दुनिया में आते हैं तो यदि हम मुस्लिम के घर में पैदा होते हैं तो मुसलमान कहलाते हैं,
हम सिख के घर में पैदा होते हैं तो सिख कहलाते हैं, यदि पैदा होते सारी आप उसको दूसरी तरफ ले जाओ और उसको पहचानो कि भाई इसमें हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, कोई नहीं पहचान सकता। मैं 6 साल मेडिकल बोर्ड में मेंबर रहा तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि लोग आके बोलें कि भाई मुझे एक बॉटल मुस्लिम का खून चाहिए, मुझे एक बॉटल दलित का खून चाहिए, मुझे एक बॉटल सिख का खून चाहिए, हिंदू का चाहिए, क्रिश्चियन का चाहिए, क्योंकि खून का रंग सब लाल है। और हिंदू का खून मुसलमान को चढ़ रहा है, मुसलमान का खून हिंदू को चढ़ रहा है, क्रिश्चियन का खून जो है बाकी के दिगर जमात को चढ़ रहा है। तो ये सब हमारे जो आज का माहौल जो हो रहा है उसके अंदर सबसे बड़ी जरूरत, फयाज भाई आपने जो कदम उठाया है और जो आपने ये शुरुआत की है, इकबाले तारीफ है और मैं बोलता हूं आपको बहुत बहुत मुबारक, खुदा आपको इससे ज्यादा इकबाल दे, क्योंकि जिस चीज की जरूरत आज है उस चीज को आपने शुरुआत किया है, क्योंकि जहां सोच होती है वहीं अमल होता है, सोच नहीं है तो अमल नहीं है। आपने एक अच्छी सोच के साथ इसको शुरुआत की, हमारा पूरा सहयोग, पूरा जहां जहां आप बोलोगे खड़े रहना है, जहां हमारे लायक कोई भी खिदमत होगी हम लोग आपके साथ खड़े हैं। हमारे को तो जो आपकी बातें याद आती हैं कि अभी जैसे बाकी के लोगों ने भी तकरीर की कि फयाज भाई ने बड़ी डिफिकल्टी के साथ में अपने इस जो सफर है उसको पूरा किया और जिद की और जिद को बिल्कुल उसको कामयाबी में बदला। तो मैं 2 कविताओं की 2 बातें आपको इंग्लिश और हिंदी में बताता हूं कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, उल्टी हवाओं में रास्ता निकाल के ले जाना, यही सबसे बड़ी मर्दानगी और यही सबसे बड़ी बात होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इट इज इजी टू बी प्लेजेंट व्हेन थिंग्स गोइंग लाइक ए सॉन्ग, बट ए मैन इज वर्थ वाइल हु कैन स्माइल व्हेन एवरीथिंग गोज डेड रॉन्ग। उल्टी हवाओं में आप रास्ता निकाल के ले जाओ। और मैं हमेशा एक शेयर जरूर हर जगह पढ़ता हूं, उसमें दिल मजबूत होता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा। तो दोस्तों अभी मुकाती साहब बता रहे थे उन्होंने जो काम किए, बहुत बड़ी तारीफ की बात है। हम लोगों ने जो इंसानियत जितने लोग कर रहे हैं चाहे किसी भी फील्ड में कर रहे हो, इसका क्या मतलब है कि इंसानियत धर्म सबसे बड़ा है। आपने मुसलमान नहीं देखा, आपने हिंदू नहीं देखा, आपने पंजाबी नहीं देखा, आपने सिख नहीं देखा, आपने बाकी की कोई कास्ट नहीं देखी। आप बच्चियों की शादी कर रहे हैं, आप कपड़ा बैंक कर रहे हैं, आप रोटी बैंक कर रहे हैं, आप देखते नहीं कि कौन खाने वाला है, चाहे मुसलमान खा रहा है कि हिंदू खा रहा है कि सिख खा रहा है। तो ये सारी चीजों को जो आपने फयाज भाई जोड़ा है एक जगह, और ये स्टेज के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, पवन डोगरे साहब ने बहुत अच्छी बात की, तो ऐसे जितने भी लोगों को आपने जोड़ा है ये बहुत बड़ी बात है, और मैं समझता हूं बहुत बड़ी मुबारकबाद की बात है। और आगे आने वाले दिनों में यदि ये मुहिम आपने और ज्यादा तेज की और इसको और ज्यादा रंग लाया तो मैं समझता हूं कि औरंगाबाद के लिए मिसाल होगा, क्योंकि आज की डेट के अंदर आपने जैसा अपनी तकरीर में शुरुआत में बताया कि भाई लोग जाते हैं मस्जिद में, उनको मालूम नहीं नमाज क्या होती है, लोग जाते हैं गुरुद्वारे में गुरबानी क्या होती है उनको मालूम नहीं, बहुत सारे लोगों को, हिंदू धर्म वाला मंदिर जाता है टीका लगाता है घंटी मारता है और बाकी की यानी गीता बाकी की चीजें जो भी पढ़ता है रामायण पढ़ता है, लेकिन उसको उसके अंदर का जो उसका सार है, तो आप ये सारी इंसानियत का सार धर्मों का निचोड़ जो बताने वाले हैं लोगों को, जो उसके बारे में इंसानियत बीच में सबसे बड़ी है, क्योंकि मकसद इसके पीछे एक ही है कि किसी धर्म में नहीं बोला। क्यों? गुरु महाराज ने क्या बोला आपको एक छोटी सी पंक्ति के अंदर बता देता हूं कि पूरी उसकी सार आपको ये आ जाएगा कि 68 तीर्थ सगल पुन जी दया परवान। इसका मतलब है हिंदुओं के वो समय में
68 तीर्थ होते थे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऐसे करके 68 तीर्थ आप करके आ जाओ। करने के लिए आपको कितना कष्ट होगा, कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा, वो करके आने के बावजूद भी उसका जो स्वाब है यानी पुण्य है वो एक तराजू में और एक इंसान के साथ इंसानियत कर दिए वो बराबर है, कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए फयाज भाई, खुदा आपको बहुत ज्यादा इकबाल देगा और तरक्की दे और आगे आप इस तरह के सामाजिक काम कर सके। मैं तो आज ज्यादा बात आपको करना नहीं चाहता हूं क्योंकि आज समय बहुत सारे लोगों ने बोला और लोगों ने बोलना है। हमने तो जब कमीशन में मेंबर बने तो हमारे पास एक बात आई कि हमारे सिख समाज के लोग बहुत वेल एस्टेब्लिश हैं, पैसे वाले हैं, हर जगह कारोबार में है, कोई इतनी कमी नहीं है, 5-10% को यदि छोड़ दिया जाए तो वो वेल एस्टेब्लिश है। लेकिन मेरे को एक सिख समाज के मेरे एक आदमी ने मुझे बोला कि खुंगर साहब, आप एक बड़ी पोजिशन पे गए, यदि आपको कुछ करना ही है तो आप एक आदमी को मदद करो, एक समाज का। वो कौन सा समाज था? सिक्कलकरी समाज, जो बहुत ही बुरी हालत में रहता था। हम जालना गए, जालना में पूरे कलेक्टर ऑफिस में पूरे रिव्यू कमेटी की मीटिंग थी और उसके पहले लेट हो गए थे चूंकि, तो पत्रकार परिषद थी। पत्रकार परिषद में एक पत्रकार ने मेरे से बोला कि कुंगर साहब, आप जो है अगली बार जब आओगे, यहाँ मधुबन के सामने एक बहुत बड़ी आबादी है और वो बहुत ही बुरी हालत में है, आप जरूर उसको इंस्पेक्शन करना। मैंने बोला भैया, अभी ये मीटिंग खत्म होने के बाद आज ही हम विजिट करेंगे। और हमने वो विजिट की, वहां पे मुख्य अधिकारी को बुलाया, हमारा वाइस चेयरमैन साथ में था, बाकी के लोग दिगर लोग ऑफिसर साथ में थे और उस चीज का काम करने का शुरुआत किया गया। तो इंसानियत यदि अपने दिल में है और हमने ये सोच लिया है कि हमको करना है तो उसके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। बहुत बड़े दंगे फसाद सांगली, शोलापुर, कोल्हापुर, बहुत सारे हमारे मुसलमान भाइयों के जो है जूते की दुकानें लूटी गई, मोबाइल लूटे गए, पूरे यानी सबके सामने पूरे टेम्पो में भर के लेके गए। और वहां का जो एसपी है उसने मेरे को बोला कि भाई जो है क्या कहते हैं ये दंगा हो गया। मैंने बोला भैया दंगा कैसे होता है, दंगा किसको बोलते हैं, हिंदू ने मुसलमान को मारा, मुसलमान ने हिंदू मारा, वो दंगा होता है। ये लूटिंग है, ये डकैती है, तुमने डकैती का गुनाह दाखिल किया क्या? नहीं। तो दोस्तों, यदि दिगर जमात का मैंने यदि सिख समाज के बारे में बात करता हूं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मुसलमान के बारे में बात करूं, मुसलमान सिख के बारे में बात करे, सिख दलित के बारे में बात करे, दलित जो है क्रिश्चियन के बारे में बात करे, हम सब मिलके एक दूसरे के बारे में बात करें, हम खुद के बारे में सोच के दूसरों के बारे में यदि बात करना चालू कर देंगे तो मैं समझता हूं हम जो मंजिल हासिल करना चाहते हैं हम जरूर करेंगे। इतना बोलते हुए मैं अपनी दो शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराज, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल। कुंवर साहब के माइनॉरिटी कमीशन में जो काम किया हुआ है वो आज भी लोगों के लिए मिसाल है। इसी के साथ उनकी जो खिदमात हैं वो वाकई, जब बोल रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि मुसलमान किसी और फिरके के लिए करे, दूसरा फिरका वाला मुसलमान के लिए करे। मैंने उन्हें अपनी आँखों से देखा है, जब मैं दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह से बाहर निकल रहा था तो वहाँ जो शख्स कार में से उतर के जा रहा था वो सुरजीत सिंह खुंगर था। ये सभी धर्म को लेकर चलने वाले लोग हैं और प्रैक्टिकल लोग हैं, इसलिए हम ऐसे लोगों की अपने स्टेज पर कदर करते हैं, अपनी समाज में भी कदर करते हैं, जो अपने अपने शोबों में जिन्होंने बेहतरीन काम किया है उनका इंसानियत ग्रुप की जानिब से इस्तकबाल किया जाएगा और यह सर्टिफिकेट बतौर एजाज उन्हें दिया जाएगा। दारुल अमान ट्रस्ट के रूह रवा खालिद अहमद नज़ीर अहमद, ये ट्रस्ट यतीम खाना जो हमारे पास बैतुल यतीम है वो चलाता है और शहर का वो वाहिद इदारा है जिसे शायद ISO यतीम खाने के तौर पर ग्रेड हासिल है। अगर वो यहाँ हैं तो तशरीफ़ ले आएँ या उनका कोई नुमाइंदा है तो आकर वो इस सर्टिफिकेट को कबूल कर लें। खालिद अहमद के फर्जंद तशरीफ ला रहे हैं, आफताब अहमद। इसी तरह
समाज की और भी लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं, सैयद शफीक अहमद कादरी साहब जो अपनी खिदमत के लिए शहर में न सिर्फ पहचाने जाते हैं बल्कि दूर दूर तक मशहूर हैं। तदफीन का जब मौका आता है, इंसान का इंतकाल हो गया किसी के वहाँ, तो सबसे पहले अगर किसी को याद किया जाता है तो वो भाई बिरादरान हैं, सैयद शफीक अहमद कादरी साहब। उनसे इल्तिमास है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएं। और सैयद रफीक अहमद कादरी साहब, दोनों भाइयों से इल्तिमास है, भाई बिरादरान से, कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और इस इंसानियत ग्रुप के एजाज़ को कबूल करें। अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों की खिदमत के लिए जो लोग मुतहरिक हैं शहर में, उनमें खिदमत खल्क करने वाले खान अब्दुल मोईद हशर, जो घाटी और तमाम शहर के अस्पतालों में, घाटी अस्पताल है, शायद कैंसर अस्पताल है, सत्य विष्णु अस्पताल है, इसी तरह चिकल थाना में जो अस्पताल है, और न जाने कितने अस्पतालों तक जिनकी मुझे भी नहीं मालूमात है, वहाँ पर ज़ेरे इलाज मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों को मुफ्त खाना इस ट्रस्ट के माध्यम से पहुँचाया जाता है। मजलिस तामीर मिल्लत के नाम से ये खिदमत अंजाम देते हैं। अब्दुल मोईद हशर और उनके जो साथी हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपना एजाज़ यहाँ पर कबूल करें। आप आइए, अपने भाई आपके साथ, मोहित के साथ जो लोग हैं वो भी आ जाएं। मोहम्मद यूसुफ मोकाती, जो अभी जिन्हें आपने सुना, और उनकी खिदमत के हम तमाम लोग इतराफ करते हैं। हरविंदर सिंह सलूजा, ये सिंधी गुरुद्वारा कमेटी के सेक्रेटरी हैं और अक्सर घाटी अस्पताल में खिचड़ी या मुफ्त आम बांटते हुए हमें दिखाई देते हैं। आपस में चंदा करके, आपस में कंट्रीब्यूशन करके ये काम अंजाम दे रहे हैं। शहर के एक मशहूर दरगाह हज़रत शाहनूर मियां हमवी की तजदीदकारी में जावेद पटेल और उनके जो ग्रुप है उसने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए इंसानियत ग्रुप की जानिब से उनका भी इस्तकबाल किया जा रहा है। रफ़ीउद्दीन रफ़ीक साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे, उनका उनकी भी खिदमत, ये सहाफ़ी तो है ही, साथ ही हज़रत ख्वाजा जो खुल्दाबाद में दरगाह है उसके सब मुजावर भी हैं और उर्दू हलकों में बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अदबी सहाफ़ी खिदमत के लिए उन्हें अवार्ड भी दिया जा चुका है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबकी आवाज़ और प्रिंट मीडिया में उर्दू न्यूज़ बम्बई के नुमाइंदे की हैसियत से काम करते हैं रफ़ीउद्दीन रफ़ी। मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद नदवी मदनी शायद बीमारी की वजह से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। और सहाफ़ियों की जानिब से, सहाफ़ती बिरादरी से, औरंगाबाद टाइम्स के चीफ़ एडिटर शोएब खुसरो साहब के लिए ये सर्टिफिकेट है, अगर वो हो या उनका कोई नुमाइंदा हो तो आकर ये कबूल कर लें। इसी के साथ यहाँ पर तमाम लोगों का इस्तकबाल हुआ, लेकिन फैयाज़ कुरैशी साहब जिनकी दावत पर हम तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनका इस्तकबाल करना चाह रहे हैं शेख सलीम साहब जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के ब्लॉक सदर हैं, वो उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएं। और इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा नवीन ओबेराय से कि वो भी फैयाज़ भाई की गुलपोशी करें।
आज शहर में जो हज हाउस तामीर हो रहा है उसमें इनकी खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। आखिर में रस्म शुक्रिया अदा करने के लिए मैं फैयाज अहमद कुरैशी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। यहां सभी मेहमानों का और आप लोगों का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और मंच पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं और आप लोग भी जितने बैठे हुए हैं, इस बात की अपील भी आपसे करता हूं कि इस काम में आप जुड़िए, इंसानियत के काम को अहमियत दीजिए और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। क्यों कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी नमाज को समझ के पढ़ें, ये हमारा फ़र्ज़ है कि अगर हमारा पड़ोसी कोई भूखा है तो उसका इंतज़ाम करें, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की इज्जत करें, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम तमाम लोग इंसानियत के काम पर अगर जुड़ेंगे तो ही आज हम इस दुनिया में कुछ काम कर सकते हैं। आज की जो हालात है, हमको सीरत पे ही आना पड़ेगा, हमको किताबों पर ही आना पड़ेगा, हमारे फ़राइज़ को हमको समझना पड़ेगा। जब तक कि हम अपने फ़राइज़ को नहीं समझेंगे, अपने दीन को नहीं समझेंगे, तो हमारे उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। हम सब यमरूद के कब्ज़े में जाने वाले हैं। अगर हमारा फेल यही रहा, इस मंच पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जो बेचारे नेक काम कर रहे, इंसानियत का काम कर रहे, पत्रकार हो या सोशल वर्कर हो या हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, इन सब को अल्लाह ने एक ही माना, ये सब ऊपर वाले की उम्मत है, ये सब हमारे भाई हैं, हम सब एक दूसरे के भाई हैं, और हम सब लोगों ने इस काम में जुड़ना चाहिए, और अल्लाह जिसको हिदायत देगा वही इसको काम को आगे बढ़ाएगा, और जिसको हिदायत नहीं देगा वो तो शैतान के कब्ज़े में है, वो कभी सीधा नहीं हो सकता। तो मैं इस शेर के साथ आप लोगों को बात को शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितने भी हमारे मेहमान खुसूसी बैठे हुए मेहमान बैठे हुए, हमारे वालिद के दोस्त डोंगरे साहब और मेरे भी बहुत दोस्त थे वो शेखामा साहब, हमारे वालिद के साथ हमको भी बहुत इज्जत देते थे, ये हमारे ग्रुप के लोग हैं। मेरे को इस बात की ये बहुत खुशी हुई कि डोंगरे साहब की जो फितरत थी, जो अंदाज था, वही हमारे बच्चे का भी है। अल्लाह उसको इस काम में नेक तौफीक दे, इस काम में आगे बढ़ाए कि वो इंसानियत के काम में पहले से लगे हुए है। कुंगर साहब को भी मैं ये तारीफ़ करूँगा, और सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी की तारीफ़ करना चाहता हूँ मुसलमानों में, तो वो हमारे अब्दुल्ला मार्कोनी हैं, जिन्होंने अपनी उम्र के 50 साल के बाद एक ऐसी किताब का इल्म हासिल किया है जो आज वो लोगों को समझा सकते, लोगों को सही रास्ते पे ला सकते। मगर मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि आप 10 लोगों को समझाएंगे तो तुम्हारी उम्र ख़त्म हो जाएगी। आपको जो है एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, घर घर जाके माहौल बनाना पड़ेगा। वो सिटीज़न इंसानियत ग्रुप ये काम करने जा रहा है, आप सिटीज़न इंसानियत ग्रुप के मेंबर भी है। आपने इससे दूर इसलिए हुए कि ये छोटे छोटे ग्रुप में समझाना चाह रहे, हम इनको ये चाह रहे कि ये बड़े ग्रुप में आए और लोगों को समझाए, और जो इसके जानकार है, पंडित हो, मुल्ला हो, मौलाना हो, आप उनको लाइए सामने, ये आपका फ़र्ज है। आप एक कोठली में बैठ के अपनी काबिलियत को जाहिर करेंगे, अल्लाह ने तुम्हारे सीने में अल्लाह का कलाम दिया है, उस कलाम को समझाइए। आप 10 लोगों के काम के नहीं हैं, आप करोड़ों लोगों के काम के हैं, आप दुनिया के काम के हैं।
मैं ये आपको बोल रहा हूँ, मैं और बहुत जमाने से इनसे कह रहा हूँ, ये हमारा प्लान जो बना था 2002 में बना था, बराबर है आपने कहा अभी, मगर आपका अमल नहीं है उस पर, आप वहीं कुटिया में गोल खोलना चाहते। अरे आप आइए भाई, आपके जैसे लोग आना चाहिए। आप अगर पॉलिटिकल लोगों से या जातिवादी लोगों से या मौलाना लोगों से डरेंगे कि वो मौलाना क्या बोलेंगे, वो हरकत क्या करेंगे, तो नहीं जमने वाला। आपको खुदा ने अल्लाह का इल्म दिया, रसूल का इल्म दिया, आप मैदान में आइए, उनकी अच्छाइयाँ उनकी बुराइयाँ सामने लाइए कि भाई आप क्या कर रहे। आप हिंदू ये पूछे कि भाई पंडित हमको क्यों नहीं सिखा रहा, मुसलमान मौलाना आदमी से आलिम आदमी से पूछे कि भाई ये क्या हमको नमाज पढ़ा रहे, आप क्या माने हैं इसके, हम क्यों नहीं समझा रहे। तो हमको पूरे पंडितों को, उलमाओं को, हाफिजों को, जितने भी कुरान के जानकार है, जितने भी गीता के जानकार है, जितने भी बाइबल के जानकार है, सभी किताबों में मानवता का लिखा हुआ है, गीता के जो मानने वाले हैं, आप उनको लाइए, उन लोगों को लाइए जो मालिक होके बैठे हुए, मालिक होके बैठे हुए है कि नहीं। एक आम आदमी तो बेचारे को 50 साल से वो नमाज पढ़ रहा, उसको अभी तक माना नहीं मालूम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के, उसको अभी मालूम नहीं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के माना क्या है। तो आप क्या कर रहे, सो रहे क्या? आपका काम है कि जिस मजहब में आप पैदा हुई है उस मजहब के साथ साथ दूसरे मजहबों को भी ये समझाइए। पूरे आलम के लिए है वो किताब, आपके लिए नहीं है। मुसलमानों ने कुरान को अपने घर में रख लिया, हिंदुओं ने गीता को अपने घर में रख लिया, सरदार जी ने गुरु नानक की किताब को अपने घर में रख लिया, ये नहीं चलने वाला। ये चलेंगे अब लोग जागरूक हो रहे, लोगों को अभी मैं एक महीने से इरशाद कुरैशी साहब और हम ऐसे ग्रुप को बुला बुला के हम समझा रहे, वो ग्रुप ही यहाँ आया है, जिनको हमने दावत दी वो नहीं आए। उन्होंने बोले कि साला वहाँ जाके कब फंसना, हमने उनको मालूम था कि यहाँ ये बात निकलेंगी। तो आपको कोई भी मौलाना नहीं दिखाया, दिखा क्या? तो बुजुर्गों और दोस्तों, मैं एक शेर के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दया रे इश्क में फुंगर साहब, ये हमारे अल्लामा इकबाल का ये शेर है, इसने अल्लाह से ताल्लुक जो बताया इंसान का ऊपर वाले से, वो इस शेर में आपको मिलेगा कि दया रे इश्क में अपना मुखाम पैदा कर, नई दुनिया नई सुबह शाम पैदा कर। ये काम हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए और उन्हीं के वजह से ये दुनिया हम देख रहे, उन्हीं के वजह से ये हमारे पास जो इल्म है, अब्दुल्ला साहब के पास जो इल्म है, हमारे खान साहब के पास जो इल्म है, हमारे कुंगर साहब के पास जो इल्म है, हमारे अंसारी साहब के पास जो इल्म है, हमारे रफीक जो पत्रकार है उनके पास जो इल्म है, इस इल्म को जाहिर करो आप, पत्रकारिता के जरिए कीजिए, अपनी काबिलियत के जरिए कीजिए। जब तक कि आप, हम फैलाएंगे नहीं इस बात को, जैसे ये बच्चे काम कर रहे हैं, ये बच्चों ने आज बहुत खुल के बात की और खुद मेहनत करके किसी से चंदा नहीं लिए, मगर अल्लाह ने उनके पास चंदा भेजा, दिया है, अल्लाह ने मदद किया है, रोटी की मदद किया है, अनाज की मदद किया है, ये कौन करने वाला है? तुम नियत करो जी, अल्लाह पूरा करने वाला है, तुम नियत करो। हम नियत ही नहीं करेंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और अरे सर क्या काम कर रहे तुम, फयाज कुरैशी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे, यहाँ बहुत तारीफ करके गए मेरी, मगर आपने, आप लोगों ने इसमें जुड़ना चाहिए, सियासी लोग हो, पॉलिटिकल लोग हो, जब डॉक्टर्स हो या इंजीनियर हो या प्रोफेसर हो, ये जितने भी एजुकेटेड माहौल है, जो काबिल लोग हैं, उन्हों इसमें जुड़ना चाहिए, और इंशाल्लाह हम जुड़ने वाले हैं इंसानियत ग्रुप में, ये सभी ग्रुप को जुड़ने वाले हैं और सब ग्रुप इससे जुड़ेगा, क्योंकि इंसानियत
इंसान के रूह में कूट कूट के भरी हुई है, क्योंकि वो झूठ पसंद नहीं करता, वो झूठ पसंद ही नहीं करता। भले वो झूठ बोलेगा मगर उसके दिल में इस बात का एहसास होगा, साला मैं झूठ बोला यार, भुगतना पड़ेगा। सच उसको मालूम है। तो झूठ बोलने वाला कभी कामयाब नहीं होता, हक बोलने वाले की जीत होती है। दुनिया बनी जब से आज तक सच्चाई लोगों की जीत हुई, जिन्होंने सच का काम किया, जिसने हक का काम किया, जिसने सच्चाई का काम किया। सारे अवतारों ने, सारे नबियों ने, सारे साहबियों ने हक का काम किया, सच्चाई का काम किया, वही हमारी जीत है। इससे कहते हुए आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सब लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग इससे जुड़ेंगे। हम ये जितने भी काबिल लोग हैं इसमें जुड़ेंगे और जुड़ के इसको कामयाब करेंगे। जुड़ गए।